ऑल राइट, सो आज हम लोग जो है द फर्स्ट चैप्टर ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री उसको जो है शुरुआत करने वाले हैं, दैट इज अल्काइल हैलाइड्स एंड एराइल हैलाइड्स। या फिर आप इसे बोल सकते हैं हेलो एल्केन्स हैलो अरीन्स, हेलो एल्केन्स एंड हेलो अरीन्स। नाउ सबसे पहली चीज, हम इस चैप्टर को जो है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर और काफ़ी डिटेल में हम लोग जो है इस चैप्टर को डिस्कस करने वाले हैं, बट उससे पहले इस चैप्टर में जैसे आप देख रहे हैं दो पार्ट है अल्काइल हैलाइड एराइल हैलाइड, तो वैसे ही हम भी चैप्टर को दो पार्ट्स में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला पार्ट जो आज हम लोग डिस्कस करेंगे बेटा वो है अल्काइल हैलाइड्स का पार्ट, या फिर उसे मैं बोल सकती हूँ एराइल हैलाइड्स, हेलो एल्केन्स। अब अल्काइल हैलाइड्स कौन से होते हैं? अल्काइल हैलाइड्स बेसिकली वो ग्रुप्स होते हैं जिसमें जो आर एक्स टाइप होते हैं, राइट। नाउ आर इसमें क्या होता है बेटा, आर आपका एलिफैटिक होना चाहिए, साइक्लिक और नॉन साइक्लिक दोनों वर्क करेंगे, उसमें हमें कोई दिक्कत नहीं है, बट ये एलिफैटिक होना चाहिए, आर एरोमेटिक नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर आपका आर एरोमेटिक हो गया तो वो जो है वो हेलो अरीन या फिर अराइल हैलाइड का पार्ट हो जाएगा, ठीक है। और अगर आप ए आर एक्स ऐसे लिख रहे हो जिसमें ए आर जो है वो आपका एरोमेटिक ग्रुप को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये जो है ना बेटा ये आपका बन जाएगा हेलो अरीन का पार्ट, या फिर जैसे मैं बोलूँ अराइल हैलाइड का पार्ट, ठीक है। हम अभी इस पार्ट को डिस्कस नहीं कर रहे, ये हमारा पार्ट टू है, अभी हम जिसको डिस्कस कर रहे हैं वो है क्या बेटा, आर एक्स का पार्ट, आर एक्स मतलब अल्काइल हैलाइड। तो आर ग्रुप हमारा इसमें क्या होना चाहिए, एलिफैटिक होना चाहिए, साइक्लिक हो सकता है नॉन साइक्लिक दोनों हो सकते हैं, बट एरोमेटिक ग्रुप नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये बात सबको पहले जो है अपने दिमाग में क्लियर रखनी है। नाउ किस किस तरीके के हैलाइड्स हो सकते हैं, एक्स क्या है इसमें, एक्स हमारा हैलोजन है, तो एक्स आपका फ्लोरीन हो सकता है, क्लोरीन हो सकता है, ब्रोमीन हो सकता है, आयोडीन हो सकता है, बट जनरली हम इसमें जो है फ्लोरीन की बात नहीं करने वाले, फ्लोरीन का डिस्कशन नहीं करेंगे। इसके ऊपर मैं आपको बताऊंगी कि हर रिएक्शन में आप देखेंगे कि कहीं भी फ्लोरीन जो है वो फिट नहीं हो पाएगा, बहुत सारे रीजंस हैं फ्लोरीन के ना फिट होने के, तो हम जैसे जैसे रिएक्शन करते जाएंगे वैसे वैसे एक्सप्लेन करती जाऊंगी कि वो फिट क्यों नहीं हो रहा, राइट। अब आते हैं एराइल हैलाइड के, अल्काइल हैलाइड का मैं अभी बेसिक पार्ट रख रही हूँ नॉमेनक्लेचर पे। अब मुझे नहीं पता आप लोगों को नॉमेनक्लेचर कितना आता नहीं आता, लेकिन हम थोड़ा सा ब्रीफ नॉमेनक्लेचर जो है हर चैप्टर में देख के चलेंगे। तो नॉमेनक्लेचर ऑफ अल्काइल हैलाइड्स को अगर मैं ध्यान रखूँ तो आप ये चीज़ याद रखेंगे प्रायोरिटी रूल्स के हिसाब से कि जो हैलोजन होता है ना बेटा उसको हम लोग सब्सिट्यूएंट मानते हैं, हैलोजन इज नेवर अ फंक्शनल ग्रुप, इट इज नॉट फंक्शनल ग्रुप, ये कभी भी फंक्शनल ग्रुप नहीं होता, ये हमेशा क्या होता है बेटा, सब्सिट्यूएंट होता है। तो आपको ये पता है नॉमेनक्लेचर के रूल्स में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपको जो है एक लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सेलेक्ट करनी होती है दैट कंटेन्स मैक्सिमम नंबर ऑफ डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड्स या फिर सब्सिट्यूएंट। तो रूल नंबर वन क्या है हमारा, चूज अ कार्बन चेन That consists of maximum number of multiple bonds and substituents. तो multiple bonds और substituents उसमें जो है सबसे ज़्यादा होने चाहिए। फिर secondly आप लोग क्या करते हैं, rule number टू के basis पे lowest Locand rule के basis पे आप जो है numbering करते हैं, then numbering is done using the lowest Locand rule. सबको पता है लोएस्ट लोकेंड रूल क्या होता है, नंबरिंग इज डन यूजिंग लोएस्ट लोकेंड रूल।
अब लोएस्ट लोकेन रूल ये कहता है कि अगर मल्टीपल बॉन्ड्स है तो गिव द प्रायोरिटी टू द मल्टीपल बॉन्ड्स, और अगर मल्टीपल बॉन्ड्स नहीं है देन गिव द प्रायोरिटी टू द सब्सिट्वेंट्स, राइट। तो प्रायोरिटी ऑर्डर हमारा कैसा है? प्रायोरिटी ऑर्डर होता है फंक्शनल ग्रुप गेट्स द प्रायोरिटी ओवर मल्टीपल बॉन्ड्स एंड दे गेट्स द प्रायोरिटी ओवर द सब्सिट्वेंट्स। बट अभी के केस में जो हम आपको केस बता रहे हैं उसमें हैलोजन हमारे फंक्शनल ग्रुप तो है नहीं, तो फंक्शनल ग्रुप को तो हटा दो पिक्चर से। तो हमारे पास क्या है, मल्टीपल बॉन्ड्स गेट्स द प्रायोरिटी ओवर द सब्सिट्वेंट, राइट। अब एग्जाम्पल देखे मैं आपको समझाती हूँ। ये हम IUPAC उसकी बात कर रहे हैं, है ना। तो जैसे हम जो है कुछ नाम करके देखते हैं, ये प्रेजेंट है, तो आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज देखनी है, आपको कार्बन चेन सेलेक्ट करना है। तो दिस इज द कार्बन चेन ऑफ कोर्स। नाउ आपको नंबरिंग ऐसे करनी है कि मल्टीपल बॉन्ड्स को लोएस्ट नंबर मिले, ठीक है। तो मैं यहां से नंबर करूंगी तो मल्टीपल बॉन्ड को ज्यादा नंबर मिलेगा, तो नंबरिंग यहां से होगी। तो 1, 2, 3, 4 एंड 5, राइट। दिस इज वॉट आई वॉज ट्राइंग टू से, है ना। और अगर आपके पास कुछ ऐसा होता है तो भी आपका कार्बन चेन तो यही रहेगा, बट यहां से नंबर करते तो सब्सिट्यूएंट को लोएस्ट मिलता है और यहां से नंबर करते तो मल्टीपल बॉन्ड्स को लोएस्ट मिलता है। तो लोएस्ट लोकेन रूल के हिसाब से मल्टीपल बॉन्ड्स को प्रायोरिटी दी जाती है, तो मल्टीपल बॉन्ड्स को जो है लोएस्ट नंबर मिलना चाहिए, ठीक है। ये बेसिक सी बात है। अब जब हम नाम देते हैं तो आपको पता है नाम में सबसे पहले क्या लिखते हैं बेटा, प्रीफिक्स लिखते हैं प्लस फिर वर्ड रूट लिखते हैं और फिर लास्ट में क्या लिखते हैं, सफिक्स लिखते हैं। नाउ जो सफिक्स होता है बेटा वो फंक्शनल ग्रुप के लिए होता है, और सफिक्स से पहले हम एन इन आइन जो है वो डालते हैं, एल्केन के लिए, इन के लिए, एल्काइन के लिए, है ना। वर्ड रूट हमारा नंबर ऑफ कार्बन बताता है, मेथ, एथ, प्रॉप, और प्रीफिक्स हमारा सब्सिट्यूएंट्स के लिए होता है। और जो हम केस डिस्कस कर रहे हैं उसमें फंक्शनल ग्रुप तो है ही नहीं, तो मतलब मुझे प्रीफिक्स लिखना है, वर्ड रूट लिखना है और सफिक्स का सिर्फ एल्केन, एल्कीन, एल्काइन वाला पार्टी लिखना है ना। तो जैसे ये है तो इसमें मेरा सब्सिट्यूएंट क्या है, बी आर हैलोजन्स आर सब्सिट्यूएंट, ध्यान रखेंगे। तो बी आर मेरा ब्रोमो सब्सिट्यूएंट बना, कौन सी पोजीशन पे, वन, तो वन ब्रोमो। वर्ड रूट कार्बन चेन कितने हैं, पांच, तो पेंट। डबल बॉन्ड है कहाँ पे, टू के पर, तो पेंट टू इन, राइट। और यहां देखेंगे तो अगर मैं देखेंगे तो फाइव पर है, तो फाइव ब्रोमो पेंट टू इन, राइट। रूल सबको समझ आ गए? Yes, साथ में प्लीज नोट करते जाएगा और अगर नहीं नोट करे तो मुझे बता देगा, ठीक है। तो इसी बेसिस पे हालांकि हमने लेट क्लास लोअर क्लासेस में भी करा है, बट फिर भी हम एक बार जस्ट प्रैक्टिस के लिए जो है नाम लिख रहे हैं, तो जरा फटाफट से जो है इन कंपाउंड्स के हम लोग नाम लिख लेते हैं। राइट, एक बार हम इनका IUPAC नेम जो है डिस्कस कर लेते हैं फटाफट से। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ये BR इस कार्बन से जुड़ा हुआ है, एक कार्बन ये और ये। आप कोई भी मेन चेन लेंगे उसमें आप देख ही पाएंगे मैक्सिमम कितने ही कार्बन ले पाएंगे बेटा, दो ही कार्बन ले पाएंगे। ये मेन चेन लेंगे तो दो कार्बन, ये मेन चेन लेंगे दो कार्बन, बट अगर आप ऐसे चलें तो आप देख पाएंगे आप कितने कार्बन ले पा रहे हैं बेटा, तीन ले पा रहे हैं। तो ये आपकी मेन चेन हो जाएगी। अब इस बेसिस पे आप नंबरिंग कर दीजिए, यहाँ वन हो गया बेटा, ये टू हो गया बेटा, ये थ्री हो गया। अब टू पे एक मिथाइल है और टू पे ब्रोमो है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में सब्सिट्यूएंट का नाम लिखा जाता है, तो ब्रोमो पहले आएगा मिथाइल से, तो टू ब्रोमो टू मिथाइल, तीन कार्बन है मतलब प्रोपेन, राइट। यहाँ देखिए कितने कार्बन ले पाएंगे, एक दो तीन, या तो ऐसे ले लीजिए या फिर एक दो तीन ऐसे ले लीजिए। बट अगर आप ऐसे ले रहे हैं तो आपको दो सब्सिट्यूएंट मिल रहे हैं, ऐसे ले रहे हैं तो भी आपको दो सब्सिट्यूएंट मिल रहे हैं। किसी तरीके से आप और कुछ कर सकते हैं, वो आप एक दो तीन ऐसे भी ले सकते हैं, उस केस में भी आपको जो है दो सब्सिट्यूएंट मिल रहे हैं। तो मतलब इस केस में हमें जो है दो ही सब्सिट्यूएंट मिलेंगे और तीन कार्बन चेन आएगी, तीन कार्बन की चेन बनेगी। तो अब बस ये देखना है कि कौन सी चेन को हम मेन चेन ले, या तो हम इसे ले सकते हैं, ध्यान दीजिएगा,
लेकिन जब आप ऐसे लेंगे तो आप देख पा रहे हैं तीन सब्सिट्यूएंट आ रहे हैं, है ना। ऐसे लेते हैं तो दो आते। ये देखो, अगर सपोज मैं यहाँ बना के दिखा रही हूँ, अगर मैं ये वाली मेन चेन लेती तो कितने सब्सिट्यूएंट आते बेटा? दो, एक ये वाला, है ना। और अगर मैं ऐसे कुछ कर लेती तो भी तीन आ जाते, एक दो तीन। तो आप अब ये दोनों मिथाइल और आयोडाइड है, ये दोनों में मिथाइल आयोड, तो आप या तो ये ले सकते हैं या तो ये ले सकते हैं, जो आपको सही लगे, है ना। इसको नहीं लेंगे हम क्योंकि यहाँ पे तो दो सब्सिट्यूएंट आ रहे हैं। तो मैंने इसको मेन चेन ले लिया, बस अब मैं नंबरिंग कर देती हूँ, आयोडीन मिथाइल मिथाइल। अब आप यहाँ से नंबर कर रहे हैं तो टू नंबर मिल रहा है सब्सिट्यूएंट को, यहाँ से नंबर करेंगे तो वन नंबर मिलेगा सब्सिट्यूएंट को, है ना। तो यहाँ से नंबर करिए वन, ये टू, ये थ्री। तो आपका नाम आयोडो पहले आएगा या मिथाइल पहले आएगा? आयोडो। तो हम लिखेंगे इसे वन आयोडो, टू टू डाइमिथाइल प्रोपेन। इसका नाम देखिए क्या होगा, मेन चेन में अब आपके मल्टीपल बॉन्ड्स आने चाहिए। तो ये बनी मेन चेन मेरी, एक बी आर है यहाँ पे और एक मिथाइल है। नंबरिंग ऐसे मल्टीपल बॉन्ड को लोएस्ट नंबर वन टू थ्री एंड देन फोर। तो ये हो जाएगा बेटा थ्री ब्रोमो, थ्री मिथाइल, ब्यूट वन इन या फिर ब्यूटीन, कुछ भी लिख दीजिए इसे। यहाँ देखिए दो सी एल है और मेन चेन ये साइकिल ही होगा, और कोई ऑप्शन नहीं है हमारे पास। बस आप यहाँ देख पा रहे हैं कि दोनों सी एल मैंने जबरदस्ती ऑपोजिट डायरेक्शन में दिखाए हैं, मतलब यहाँ स्टीरियो केमिस्ट्री भी नॉमन क्लेचर में जो है डाल सकते हैं, है ना। तो ये साइक्लोप्रोपेन है और साइक्लोब्यूटेन है और वन टू थ्री पे जो है दो सी एल लगे हुए हैं, तो हम इसे नाम दे सकते हैं ट्रांस वन थ्री डाइक्लोरो साइक्लोब्यूटेन, राइट। नाउ इधर आते हैं इस पे, तो अब इस पे आप देखेंगे साइकिल आपकी मेल चेन अगर है तो इस पे एक सब्सिट्यूएंट ये है सी एच टू बी आर, दो सब्सिट्यूएंट ये है मिथाइल। तो सबसे पहली चीज, इस सब्सिट्यूएंट का नाम क्या होगा? सी एच टू बी आर सब्सिट्यूएंट को आप क्या नाम देंगे? ये सब्सिट्यूएंट को आप क्या नाम देंगे? व्हाट इज द नेम ऑफ द सब्सिट्यूएंट? क्या होगा बताओ? दिस इज ब्रोमो मिथाइल, सब्सिट्यूएंट नेम इज ब्रोमो मिथाइल। तो यहां है ब्रोमो मिथाइल, यहां है दो मिथेन। अब नंबरिंग अगर मैं यहां से करूंगी तो सब्सिट्यूएंट को फर्स्ट मिलेगा, लेकिन एक ही सब्सिट्यूएंट को। मैं यहां से नंबरिंग करूंगी तो दो सब्सिट्यूएंट को वन मिलेगा। तो लोएस्ट लोकेंड रूल कहता है नंबर ऑफ सब्सिट्यूएंट को, सबसे ज्यादा नंबर को लोएस्ट मिलना चाहिए। इसलिए वन यहां से, टू यहां से, थ्री यहां से, फोर यहां से, फाइव यहां से। तो इसका आईयूपीएसी क्या हो जाएगा बेटा? इसका आईयूपीएसी हो जाएगा टू ब्रोमो मिथाइल, वन वन डाइमिथाइल साइक्लो पेंटेन। यहां तक किसी को कोई डाउट? Shall I remove this? हाँ जी। एक ये बता दीजिए, ये वन वाला कैसे सिलेक्ट किया था? ये वाला यहाँ पे देखना, मतलब तीन सब्सिट्यूएंट है तेरे पास, तो अगर तू इसे वन देगा तो वन वन टू आएगा ना नंबर्स, और तू अगर इसे वन देगा तो वन टू टू आएगा। तो लोएस्ट लोक एंड रूल ये है ना, लोएस्ट नंबर मिलने चाहिए ना, मैक्सिमम नंबर ऑफ सब्सिट्यूएंट शुड गेट द लोएस्ट नंबर। अच्छा, ओके, है ना। यहाँ तक बेटा सबको बात समझ आ गई? चले आगे। चलिए इसको हटाए। अब जरा इसका एक मैं क्वेश्चन दे रही हूँ आपको, एक स्ट्रक्चर दे रही हूँ, उसका आप पहले फॉर्मूला ड्रॉ करिए, फिर उसका नाम लिखिए। एक बार ट्राई करके देखिए, फिर मेरे से जो है मैच करिएगा।
करा ट्राई एक बार। कर रहे हैं। चलिए जरा इसका अगर मैं फॉर्मूला बनाऊं तो आप कैसे बनाएंगे? ये एक कार्बन है जिससे तीन मिथाइल जुड़े हुए हैं। ये देखिए, ये वो कार्बन बना दिया जिससे तीन मिथाइल जुड़े हुए हैं। अब आगे ये CHCl, मतलब CHCl, ठीक है। फिर ये CH, उसके ऊपर CHBrMe लगा हुआ है, तो यहाँ पे मैंने लगा दिया CHBr और Me, ठीक है। मैं बॉन्ड लाइन फॉर्मूला बना रही हूँ, ये हो गया। फिर ये ब्रैकेट में CH2 डबल है, तो दो बार CH2, एक बार ये CH2, एक बार ये CH2, ठीक है। फिर CHME2, ये CH, इस पे 2 ME। कितने बच्चे समझ पाए ये मैंने बॉन्ड लाइन फॉर्मूला कैसे बनाया है? नहीं आया। देखो फिर CHBrMe के बाद मैं वापस से बता रही हूँ, जरा ध्यान से सुनेंगे। देखिए ये पहले मैं नॉर्मल स्ट्रक्चर बना के दिखाती हूँ। ये कार्बन है, इसके साथ तीन मिथाइल जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो तीन मिथाइल ये रहे। फिर इस कार्बन के आगे एक और कार्बन है जिस पे एक एच है, ठीक है, और एक सीएल है, मतलब एक सीएल ये रहा। फिर यही जो कार्बन है आगे एक और सी से जुड़ा होगा, सीएच। अब इसके बाद ये ब्रैकेट है, मतलब ये पूरा का पूरा जो है ग्रुप इस सीएच पे जुड़ा हुआ है। तो इस सीएच पे ये पूरा ग्रुप जोड़ दो, CHBr और ME, मतलब इसी कार्बन से एक ME भी होगा, ठीक है। फिर आप देखिए ये CH2 डबल है, मतलब ये भी इसी, आप देख रहे हैं यहाँ पे ये ब्रैकेट मुझे कह रहा है इस कार्बन से जुड़ा हुआ है, ये भी ब्रैकेट मुझे कह रहा है इसी से जुड़ा हुआ है। तो यहीं पे CH2 दो बार जोड़ दो, तो CH2 ये और फिर एक बार CH2 ये। फिर ये आगे किससे जुड़ा हुआ है? CH, और इस पे 2 ME है, मतलब एक बार ME ये और एक बार ME ये। समझ पाए सारे? मैम ये CH2 वाला नहीं आया। ये वाला हाँ, क्योंकि देखिए जैसे पहले में तो CHBrMe में तो सब ये एक ही से तो जुड़ा हुआ पूरा का था। पूरा जो है CHBrMe ब्रैकेट के अंदर है, मतलब वो इस कार्बन से जुड़ा हुआ है, ठीक है, CH वाले से, हाँ ठीक है। तो अगर CH वाले से मैंने ये जोड़ दिया पूरा, ये जोड़ दिया और एक H जोड़ दिया, अभी तीन ही तो इसके बॉन्ड हुए ना, चौथा बॉन्ड भी तो बनाना है ना। तो चौथा बॉन्ड ये CH2 भी ब्रैकेट में, मतलब ये भी जो पूरा है ये इसी से जुड़ा हुआ है ना। फिर CH2 दोनों ऊपर नीचे नहीं आएंगे? बेटा एक बात बता, अगर मैंने ऐसे बना दिया, ये देखो ठीक है, यहाँ से CH2 बना दिया, अब ऊपर अगर मैंने बना दूंगी तो इस कार्बन की वैलेंसी कैसे पूरी होगी? समझ यस गए? तो दो CH2 मैंने लगा दिए, चाहे ऐसे बना दे, लेकिन अब इसकी तो वैलेंसी पूरी हो गई ना चार। इसका मतलब ये आगे इसी के आगे लगा होगा ना, इस दूसरे वाले CH2 के आगे लगा होगा ना। समझ गया प्रतीक, है ना? यस मैम। अक्षत को समझ आ गया कैसे बनाया मैंने? यस मैम। ध्रुव को समझ आ गया? यस मैम। प्रांजल गॉट इट? वसु गॉट इट? यस मैम। ऑल राइट, सृष्टि को समझ आ गया है ना। तो अब ये यस बना है बॉन्ड लाइन फॉर्मूला और नॉर्मल स्ट्रक्चर। अब मुझे इसका लिखना है नाम, तो नाम के रूल्स आपको पता है, अपने क्लास 11 में बहुत अच्छे से करे हैं ना। तो बता दो इसका नाम क्या होगा। मेन चेन कितनी कार्बन की बनेगी? आठ कार्बन। आठ कार्बन, कैसे? 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, ये हाईएस्ट कार्बन चेन हो गई। ऐसे चल के यहां तक चलते हैं, ये रही बेटा, ठीक है। सब्सिट्यूएंट पकड़ो, इस पे कौन है? मिथाइल, दो मिथाइल यहां है, एक क्लोरो है और एक ये सब्सिट्यूएंट है। इस सब्सिट्यूएंट का क्या नाम होगा बताओ जरा। मैम इसका कौन बताएगा इस सब्सिट्यूएंट का नाम? ब्रोमो मिथाइल के बाद क्या आता है? ब्रोमो इथाइल। हाँ, ब्रोमो इथाइल, 1 ब्रोमो इथाइल।
ये आपको याद रखना है क्या, ये एक कॉम्प्लेक्स सब्सिट्यूएंट है। कॉम्प्लेक्स सब्सिट्यूएंट जहां से कार्बन चेन से जुड़ा होता है वहीं से नंबर दिया जाता है। तो ये नंबर वन, ये नंबर टू, वन पे ब्रोमो है, वन ब्रोमो इथाइल, समझ आई बात। ये है क्लोरो, ये मिथाइल अपना, ये भी मिथाइल है। तो अब अल्फाबेटिकल ऑर्डर में नाम जो है हम लोग लिखना शुरू करते हैं, तो ऑब्वियसली ब्रोमो का नाम पहले आएगा। अच्छा अब नंबरिंग भी कर दें, नंबरिंग ऐसे करनी है कि सब्सिट्यूएंट को लोएस्ट नंबर मिले, है ना। तो ऑब्वियसली अगर बेटा यहाँ से नंबर करोगे तो पहले एक ही मिथाइल को वन टू नंबर मिलेगा, बट यहाँ से करोगे तो टू नंबर दो मिथाइल को मिलेगा। तो वन टू थ्री, ये फोर, ये फाइव, ये सिक्स, ये सेवन, ये एट, तुम्हारा नाम हो गया फोर पे है वन ब्रोमो इथाइल, ठीक है। थ्री पर है क्लोरो, टू पे और सेवन पे है मिथाइल, तो आप लिख सकते हैं टू टू सेवन ट्राई मिथाइल। आठ कार्बन है ऑक्टेन। बोलो बात क्लियर हुई नहीं हुई? यस मैम, क्लियर हो गई। तो ये तो हो गया बेसिक पार्ट कि आपको अल्काइल हैलाइड्स का नोमेनक्लेचर कैसे करना होता है। बस मेन चीज आपको ध्यान रखनी है कि जैसे ये अल्काइल हैलाइड है या एराइल हैलाइड है, उसमें ये है कि आपका ये जो आर ग्रुप है ये एरोमेटिक नहीं होना चाहिए। अगर आपका आर ग्रुप एरोमेटिक बन जाएगा तो वो एराइल हैलाइड कहलाएगा, एराइल हैलाइड, ना कि अल्काइल हैलाइड। अल्काइल हैलाइड के लिए आपका आर ग्रुप जो है एरोमेटिक नहीं होना चाहिए, तो ये आपका एक अल्काइल हैलाइड है, समझ रहे। चाहे साइक्लिक हो, चाहे इनफैक्ट देखो मैं इसमें ये भी लगा दूं तो भी ये अल्काइल हैलाइड है, क्योंकि अभी ये जो ग्रुप है मेरे पास यहाँ जो सीएल से जुड़ा हुआ है वो एरोमेटिक नहीं है। अब ये देखो जरा, ये भी अल्काइल है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक CH2 ये और आ गया, तो मैं इस पूरे ग्रुप को देख रही हूँ। नाउ दिस पूरा ग्रुप इज नॉट एरोमेटिक, इसमें ये एक sp3 कार्बन आ गया, बट अगर आप ये लोगे ना, ये अराइल हैलाइड है, ये अल्काइल नहीं है, ये अराइल है। मेरी बात समझ पा रहे हैं सारे मैं क्या बोल रही हूँ? एराइल हैलाइड और अल्काइल हैलाइड में बस एक ही मात्र का डिफरेंस है कि अल्काइल में कितनी भी सारी एरोमेटिक रिंग जरूर लगा दो, लेकिन एरोमेटिक रिंग से ये हैलोजन डायरेक्टली अटैच नहीं होना चाहिए। अगर एरोमेटिक रिंग से ये डायरेक्टली अटैच हो गया तो वो अराइल बन गया, और अगर इनडायरेक्टली अटैच है किसी एक कार्बन के थ्रू, चार कार्बन के थ्रू, तो वो अल्काइल है, ठीक है। जैसे ये भी अल्काइल है क्योंकि ये वाला ग्रुप एरोमेटिक नहीं है। तो सबसे क्लियर बात, आप अल्काइल और अराइल में डिफ्रेंशिएट करें, क्योंकि अल्काइल की केमिस्ट्री और अराइल की केमिस्ट्री डिफरेंट है ना। तो अल्काइल अराइल में डिफ्रेंशिएट करें। यहां तक मैं इस सबको रिमूव कर दूं बेटा, लिख लिया सबने? ओ मैम एक हाँ। ठीक है, देखिए हम बात कर रहे हैं अल्काइल हैलाइड्स की। अब अल्काइल हैलाइड में मैंने आपको क्या बोला, डायरेक्टली आर से जो है आर ग्रुप से सीधा एक्स जुड़ा होगा, आर ग्रुप अल्काइल ग्रुप है, ठीक है। तो सपोज इस यहां पे कार्बन और हैलोजन का बॉन्ड होगा अल्काइल ग्रुप में, है ना। अब आप ये तो जानते हैं कि कार्बन और हैलोजन के बॉन्ड में हैलोजन जो होता है वो इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं, तो अगर हैलोजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो यहाँ डेल नेगेटिव हो गया बेटा, और यहाँ जो भी कार्बन है इस पर क्या हो जाएगा बेटा, डेल पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये बात और ध्यान रखिए कि अल्काइल हैलाइड जो होते हैं वो पोलर होते हैं, और पोलारिटी इनकी कार्बन चेन से हैलोजन की तरफ होती है, बिकॉज केमिस्ट्री में डाइपोल मोमेंट का जो डायरेक्शन है वो पॉजिटिव से नेगेटिव होता है, जबकि शायद फिजिक्स में उल्टा होता है ना। केमिस्ट्री में याद रखिए डाइपोल का जो डायरेक्शन है वो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ होता है। तो हमारा ये जो अल्काइल हैलाइड्स है वो पोलर है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ठीक है। अब मैं एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो यहां डिस्कस करने वाली हूं वो है कि अल्काइल हैलाइड कौन से रिएक्शन शो करते हैं, द इंपॉर्टेंट रिएक्शन दैट अ अल्काइल हैलाइड शोज। Is न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो अल्काइल हैलाइड्स हमारे क्या शो करते हैं बेटा,
न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन ऑफ ऑल द एल्काइल हैलाइड्स. नाउ व्हाट इज दिस न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन सेइंग टू अस? देखिए आप ये जान पा रहे हैं कि ये हैलोजन है और यहाँ डेल पॉजिटिव है, यहाँ डेल नेगेटिव है, ठीक है. नाउ न्यूक्लियोफाइल सबको अच्छे से पता है क्या होता है. न्यूक्लियोफाइल एक इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज होती है जो कि कार्बन पे जनरली अटैक करती है या किसी और एटम पे अदर देन हाइड्रोजन, क्योंकि अगर वो हाइड्रोजन पे अटैक करेगी तो वो बेस कहलाएगी, ना कि न्यूक्लियोफाइल. तो न्यूक्लियोफाइल एक इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज होगी दैट विल अटैक ऑन जनरली कार्बन, ठीक है. अब कार्बन और ये देखो न्यूक्लियोफाइल है मेरे पास यहाँ. अब ये कार्बन और ये न्यूक्लियोफाइल के बीच में रिएक्शन होगा क्यों? ये इसलिए होगा क्योंकि न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रॉन रिच है, मतलब उसमें नेगेटिव चार्ज है, और एल्काइल हैलाइड का जो कार्बन है वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है बिकॉज ऑफ पोलर नेचर. तो ये न्यूक्लियोफाइल इस पे जाके अटैक करेगा और जैसे ही अटैक करेगा अब इस कार्बन के 5 बॉन्ड बनने लगेंगे एक न्यूक्लियोफाइल के साथ और 4 इसके पास खुद के हैं. तो अब किसी ना किसी एक बॉन्ड को तोड़ना होगा. तो कार्बन कार्बन का बॉन्ड और कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड जो होता है वो स्ट्रांग होता है, तो वो तो कभी टूटता नहीं है. बट कार्बन हैलोजन का बॉन्ड जो है वो टूट जाता है. तो ये हैलोजन जो है अपना ये बॉन्ड लेके यहाँ से बेटा डिपार्ट हो जाता है और कार्बन के ये जो 3 बॉन्ड थे ये एज इट इज रहते हैं और एक जगह न्यूक्लियोफाइल लग जाता है और ये एक्स माइनस पूरा का पूरा क्या कर जाता है बेटा, निकल जाता है. यह सबको समझ आ रही है बात? अब केमिस्ट्री की लैंग्वेज में कहें तो ये एक्स नेगेटिव जो यहाँ निकला है बेटा, जो लीव किया है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, लीविंग ग्रुप. तो ये डेफिनेशन मैं पहले भी बता चुकी हूँ, दोबारा बता रही हूँ एक बार कि लीविंग ग्रुप क्या होता है. इट इज अ ग्रुप दैट डिपार्ट्स कैरिंग इलेक्ट्रॉन पेयर विद इट्सेल्फ. भाई सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ये इलेक्ट्रॉन को लेके निकले, मतलब ये जो बॉन्ड है एक्स का ये ऐसे नहीं एक्स प्लस के फॉर्म में निकल गया, ये एक्स इलेक्ट्रॉन लेके निकला है, इसे ये लीविंग ग्रुप है, ठीक है. लीविंग ग्रुप इज द ग्रुप दैट डिपार्ट्स कैरिंग इलेक्ट्रॉन पेयर विद इट्सेल्फ. और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, वीकर इज द बेस, बेटर इज द लीविंग ग्रुप. जितना अच्छा बेस होगा उतना बेकार लीविंग ग्रुप होगा और जितना बेकार वो बेस होगा उतना अच्छा वो लीविंग ग्रुप होगा. आपके सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के 20-30% क्वेश्चन इसी फैक्ट के ऊपर बेस्ड आते हैं कि अच्छा लिविंग ग्रुप कौन सा है, बेकार लिविंग ग्रुप कौन सा है. तो इसका एक ही रूल है कि जितना वीकर बेस उतना ही बेटर लिविंग ग्रुप. आई विल जस्टिफाई हाउ. लेकिन यहाँ तक बात क्लियर हो गई सबको? यस यस मैम. यस मैम. चलिए तो सबसे पहली चीज जो मुझे आंसर करनी है वो ये है कि ये बंदे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्यों दे रहे हैं. आई होप ये समझ आ गया. वो इसलिए दे रहे हैं क्योंकि कार्बन हैलोजन बॉन्ड पोलर है, तो न्यूक्लियोफाइल जो है इस कार्बन के डेल पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्टेड है. न्यूक्लियोफाइल ने इसे अटैक किया, अब इस किसी ना किसी को तो बाहर निकलना पड़ेगा, तो हैलोजन निकल जाता है और एक जगह न्यूक्लियोफाइल लग जाता है और ऐसा देखने को लगता है कि न्यूक्लियोफाइल ने क्या किया है, हैलोजन को सब्स्टिट्यूट कर लिया, इसलिए सब्स्टिट्यूशन हो गया है ना. और हैलोजन निकलता है, जो हैलोजन निकलता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, एक लिविंग ग्रुप. ये हो गई अभी की कहानी. अब दूसरी कहानी शुरू करते हैं जो था वीकर बेस इज अ बेटर लिविंग ग्रुप. देखो तुम्हें बहुत धारावाहिक नहीं होता, जैसे कहते हैं क्या होता है वो टीवी सोप्स, टेलीविजन सोप्स, वो धारावाहिक की कहानी के जैसे से समझना पड़ेगा. कहानी चल रही है भैया ये न्यूक्लियोफाइल ने अटैक किया, इसने जबरदस्ती इस हैलोजन को निकाला, तो हैलोजन क्या पागल है जो निकल जाएगा? हाँ वो पागल नहीं है, वो सिर्फ इसी शर्त पे निकलेगा कि निकलने के बाद एक्स माइनस क्या होना चाहिए, स्टेबल. अगर ये x माइनस स्टेबल नहीं हुआ तो कितना मर्जी न्यूक्लियोफाइल मारते रहो वो हैलोजन नहीं टूटेगा. तो इसलिए लिविंग ग्रुप अच्छा होना बहुत ज़रूरी है. और अच्छे लिविंग ग्रुप की खास बात क्या है कि वो वीकर बेस होता है. तो सोचो मेरे पास
एक एसिड है HF, एक एसिड है Cl, एक एसिड है HBr, एक एसिड है HI. मैं जैसे जैसे डाउन द ग्रुप जाती जाती हूँ, मेरी बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी घटती जाती है. क्यों? क्योंकि बॉन्ड लेंथ बढ़ रही है. H और F का बॉन्ड छोटा होगा, H और Cl का बॉन्ड थोड़ा बड़ा होगा, H और Br का बॉन्ड और बड़ा होगा, H और I का बॉन्ड और बड़ा होगा. क्यों? क्योंकि इनका साइज बढ़ रहा है तो बॉन्ड लेंथ भी बढ़ेगी. बॉन्ड लेंथ बढ़ेगी तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी कम होगी, मतलब बॉन्ड आसानी से टूटेगा. इसका मतलब अगर ये बॉन्ड आसानी से टूटा तो एच आई का बॉन्ड बहुत आराम से एच प्लस और आई माइनस में टूटेगा. और अगर ऐसा हुआ तो मेरी एसिडिटी क्या हो जाएगी बेटा? बढ़ जाएगी. वाई? बिकॉज दे ऑल आर एसिड्स. और अगर इनका बॉन्ड टूटेगा तो एच प्लस देंगे, और एच प्लस देंगे तो एसिडिटी क्या हो जाएगी बेटा? बढ़ जाएगी. तो एसिड का ऑर्डर क्या है? एच एफ वीक एसिड है, एच सी एल बेटर एसिड है, एच बी आर और बेटर एसिड है, और सबसे बेटर एसिड कौन सा है? एच आई. और हमारा रूल जो केमिस्ट्री में चलता है वो है बेटा, स्ट्रॉन्ग एसिड हैज वीकर कॉन्जुगेट बेस. ये याद है सबको? यस मैम. यस मैम. अगर ये एसिड स्ट्रॉन्ग है तो इसका कॉन्जुगेट बेस क्या होगा? वीकर, मतलब आई माइनस वीकर होगा, बी आर माइनस स्ट्रॉन्गर होगा, फिर सी एल माइनस, और सबसे स्ट्रॉन्गर होगा एफ माइनस, है ना? ये होगी बेसिसिटी. अब ये अगर बेसिसिटी का ऑर्डर है तो लिविंग ग्रुप का ऑर्डर क्या होगा? जितना बेकार बेस उतना बेहतर लिविंग ग्रुप. मतलब लिविंग ग्रुप की अगर बात करें तो आई माइनस ज़्यादा अच्छा लिविंग ग्रुप होगा, देन बी आर माइनस, देन सी एल माइनस, एंड देन एफ माइनस. तो याद है क्लास की शुरुआत में हमने बोला था कि जो हम एल्काइल हैलाइड्स लेंगे उसमें जनरली हैलोजन फ्लोरीन नहीं लेंगे. क्यों नहीं लेंगे? क्योंकि एल्काइल हैलाइड्स जो रिएक्शन देते हैं वो होता है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, और सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में x माइनस को निकलना होता है, और f माइनस निकलेगा नहीं, बिकॉज f माइनस क्या है? बेकार लिविंग ग्रुप. तो यहाँ f हम इसलिए नहीं लेते क्योंकि f माइनस क्या है? पुअर लिविंग ग्रुप. तो ये अगर f माइनस लगा रहेगा तो ये अल्काइल हैलाइड्स का नॉर्मल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं देगा. ये बात सबको क्लियर है? मैम एक बार वापस समझा दो आपने क्या बोला अभी. यस हाँ, मैंने ये बोला कि मैं अल्काइल हैलाइड में जनरली अल्काइल क्लोराइड्स लेती हूँ, अल्काइल ब्रोमाइड्स लेती हूँ, अल्काइल आयोडाइड्स लेती हूँ. मैं अल्काइल फ्लोराइड्स नहीं लेती है. एक्स को मैं एफ नहीं रखती. क्यों? क्योंकि अगर मैंने एक्स को एफ रखा तो यहाँ पोलैरिटी तो ज़्यादा होगी क्योंकि फ्लोरीन बहुत इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, लेकिन अल्काइल हैलाइड का जो नॉर्मल रिएक्शन है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, उस रिएक्शन में फ्लोरीन निकलेगा ही नहीं क्योंकि वो पुअर लिविंग ग्रुप है. तो वो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं देगा, मतलब वो अल्काइल फ्लोराइड्स. सो अल्काइल फ्लोराइड्स विल नॉट गिव एनी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. एनी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बिकॉज फ्लोरीन इज अ वेरी पुअर लिविंग ग्रुप. बात क्लियर? क्लियर? यस मैम. तो इसलिए हम जनरली अल्काइल फ्लोराइड्स यूज नहीं करते, आयोडाइड्स, ब्रोमाइड्स या फिर क्लोराइड्स इस्तेमाल करते हैं. ठीक है, अब जरा मैं इसे हटा दूं. यस मैम. चलिए अब जरा थोड़ा सा डिटेल पढ़ते हैं अबाउट न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. देखिए, हमने बोला कि हमारा ये अल्काइल हैलाइड है और यहाँ एक्स आपका क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन होगा, एक्स आपका फ्लोरीन नहीं होगा. फ्लोरीन क्या है? एक पुअर लिविंग ग्रुप. ठीक है, तो न्यूक्लियोफाइल आएगा, अटैक करेगा और फ्लोरीन यहाँ से, ये हैलोजन यहाँ से निकलेगा और ऐसा लगेगा कि न्यूक्लियोफाइल ने हैलोजन को सब्स्टिट्यूट कर लिया. क्या हमारी चीज़ें इतनी सिंपल होंगी? इतनी सिंपल नहीं है, हमें डिटेल मैकेनिज्म पे जाना है.
तो हमारा जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है बेटा, वो मेजरली तीन तरीके का होता है, SN2, SN1, SNI। ये तो तीन तरीके का सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस हैं हमारे पास जो हमें डिटेल में स्टडी करने हैं, और ये तीनों सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आपके स्कूल एग्जाम्स के लिए और जेई और नीट के लिए दोनों में जो है इंक्लूडेड है। लेकिन एक और तरीके का सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है जिसे हम लोग बोलते हैं SNGP। ये वाला पर्टिकुलर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन सिर्फ हमारे जेई और नीट के सिलेबस में है, दिस इज नॉट इन द सिलेबस ऑफ स्कूल एग्जाम्स। तो ये चीज़ आप लोग अपने नोट कर लीजिएगा कि स्कूल में ये सब चीज़ें नहीं है, है ना, उसमें नहीं है, ठीक है। और ये जो तीनों है ये हमारे स्कूल में भी है और वैसे भी हैं, ठीक है। तो पहले हम इन तीनों को डिस्कस करेंगे फिर इसके ऊपर तरह आएंगे। तो सबसे पहले हम लोग जो है SN2 रिएक्शन की पोस्टमार्टम करते हैं कि SN2 रिएक्शन क्या है मेरा। SN2 मतलब S मतलब सब्स्टिट्यूशन, N मतलब न्यूक्लियोफिलिक और 2 मतलब बाइमोलिकुलर। तो ये है सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक बायोमोलिकुलर, मतलब ये एक बायोमोलिकुलर टाइप ऑफ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो है वो है, ठीक है। इसके कुछ खास डिटेल्स बताती हूँ फिर डिटेल मैकेनिज्म बताती हूँ। SN2 रिएक्शन हमारा सिंगल स्टेप रिएक्शन होता है, इट इज अ सिंगल स्टेप रिएक्शन। मतलब एक ही स्टेप में होता है, इसमें कोई इंटरमीडिएट नहीं बनता है, नो इंटरमीडिएट इज फॉर्म्ड। अभी आप बस इसे नोट करिए, मैं आपको डिटेल दूंगी इन सबके। आप पेंटा कोऑर्डिनेटेड ट्रांजिशन स्टेट इज फॉर्म्ड। बैक साइड अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल ऑलवेज एग्जिस्ट। नोट करिए फिर इसकी बहुत डिटेल में इसको जो है समझते हैं। ये आप लोगों ने नोट कर लिया? Yes, ma'am. सिंगल स्टेप होता है, इंटरमीडिएट नहीं बनता, पेंटा कोऑर्डिनेटेड ट्रांजिशन स्टेट होती है और बैक साइड अटैक होता है। इसको अच्छे से समझते हैं। हटा दूं मैं ये सारी चीजें? यस मैम। यस मैम। अब बड़े प्यार से समझेंगे। मैंने क्या किया बेटा, CH3Br लिया, ठीक है। अब इस CH3 को देखो मैं कैसे लिख देती हूँ, थोड़ा सा अच्छे से लिख देती हूँ। कैसे? टेट्राहेड्रल ऐसे लिखा जाता है ना। अब यहां मैंने एक न्यूक्लियोफाइल लिया, वो है OH-। अब बहुत ध्यान दे इस बात पे, क्या जरा इधर आइए, कि आप अगर OH- आप KOH या NOH के फॉर्म में लेंगे, है ना। अगर आप एक्वस KOH या एक्वस NOH लेते हैं तो बच्चों ये न्यूक्लियोफाइल का काम करते हैं। और अगर आप अल्कोहलिक KOH या फिर अल्कोहलिक NOH यूज करते हैं तो ये बेस का काम करते हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ OH- मैं यूज कर रही हूँ तो मैं ध्यान रखूंगी इसका सोर्स क्या हो, एक्वस हो। तो मतलब मैं यहाँ ये लिखूंगी इस प्रकार, देखिए जरा ध्यान दीजिएगा, एक्वस KOH। अगर मैंने अल्कोहलिक यूज किया तो एलिमिनेशन रिएक्शन हो जाएगा और एल्कीन बन जाएगा। मुझे सब्स्टिट्यूशन कराना है तो मैं ध्यान रखूंगी कि एक्वस यूज करूं, पहली चीज, ठीक है। एक्वस KOH ने न्यूक्लियोफाइल दिया OH-। अब जरा प्रोसेस को समझिए, यहां है डेल पॉजिटिव, यहां है डेल नेगेटिव। ये न्यूक्लियोफाइल ऐसा अपना बैठा है आराम से मस्त गाने वाने सुन रहा है, ये भी आराम से मस्त बैठा है गाने वाने सुन रहा है। बट ये जो दब एक दूसरे के करीब आए तो इस न्यूक्लियोफाइल को दिखा
कि भाई मेरे ऊपर जो चार्ज है, चार्ज हमेशा बर्डन होता है, ये आप लोग याद रखते हैं हमेशा, दिस इज अ बेसिक थिंग, चार्ज इज ऑलवेज अ बर्डन, बर्डन है ना। ये नेगेटिव चार्ज कहेगा भाई मेरे ऊपर बहुत बर्डन है, पर अभी कोई ऑप्शन ही नहीं है इसके पास। बट अचानक से जब ये अल्काइल हैलाइड इसके पास आया तो इसे दिखा कि भाई यहाँ डेल पॉजिटिव चार्ज है, मतलब यहाँ सम सॉर्ट ऑफ अट्रैक्शन है, ठीक है। तो अब ये जाके इस पे अटैक करना चाह रहा है। अब जरा ध्यान दीजिएगा, क्या अगर ये एस एन टू से अटैक कर रहा है तो उसे एक ही बार में काम तमाम कर देना है, मतलब एक ही बार में अटैक कर देना है और उसी टाइम ही बी आर निकल जाना चाहिए, गैप नहीं होना चाहिए, एक ही स्टेप में कराना है मैंने रिएक्शन। तो ये कहेगा भाई मैं कहाँ से जाऊँ, मैं यहाँ से अटैक करने जाऊँ या मैं यहाँ से जाऊँ। वो यहाँ से जब वो जाएगा तो ये हैलोजन के ऊपर ये जो लोन पेयर हैं ये इसे क्या करेंगे बेटा, रिपेल करेंगे, ये हैलोजन के लोन पेयर इसे रिपेल करेंगे। तो इसे एक सेफ ऑप्शन दिखेगा, क्या कि भैया पीछे से अटैक करेंगे। तो ये जनरली क्या करेगा बेटा, बैक साइड अटैक। अब जैसे ही इसने यहाँ बैक साइड अटैक करा तुरंत ही इसे निकलना पड़ेगा, नो टाइम लैप्स, क्यों, क्योंकि ये रिएक्शन वन स्टेप है। तो अब क्या होगा, तुरंत दिखेगा, ध्यान से सुनेगा मेरी बात, ये कार्बन को अचानक से तीन एच तो इसके पास थे ही है, वो तो है ही, इस कार्बन को क्या करना पड़ा, अपने इस एच को थोड़ा ऊपर करना पड़ा, इन दोनों एच को थोड़े नीचे करना पड़ा, जगह बनानी पड़ी ताकि ओ एच माइनस इस कार्बन को अप्रोच कर सके। तो ये एच ऊपर की तरफ गए, ये एच दोनों नीचे की तरफ आए, फिर ये ओ एच माइनस यहाँ बैक साइड से आया और इसने इसके साथ बॉन्ड बनाना शुरू किया। जैसे इसका बॉन्ड बनता जाएगा वैसे वैसे बी आर का बॉन्ड यहां से क्या होता जाएगा बेटा, निकलता जाएगा, समझ रहे हैं। तो ये जो है एक ट्रांजिशन स्टेट रहेगी जिसमें इन दोनों पे थोड़ा थोड़ा नेगेटिव चार्ज जो है रहेगा, ठीक है। और ये ट्रांजिशन स्टेट में आप देख पा रहे हैं पांच बॉन्ड से दिख रहे हैं, हालांकि ये पार्शियल बॉन्ड्स है, कंप्लीट बॉन्ड्स नहीं है। तो इस ट्रांजिशन स्टेट को ही बोला जाता है पेंटा कोऑर्डिनेटेड ट्रांजिशन स्टेट। फिर जो बॉन्ड बनना था वो बना, जो टूटना था वो टूटा, और ओ एच आके अपना जो है एडजस्ट हो गया यहाँ पे, बैक साइड अटैक किया तो ओ एच यहाँ एडजस्ट हो गया। अभी ये वाला एच ऊपर की तरफ मूव किया था, ये दो एच नीचे की तरफ मूव करे थे, ऐसे ऐसे हो गया था। मैं इसको ऐसे लिख देती हूँ ताकि एच ए एच बी एच सी, ताकि आप समझ पाए क्या हुआ, एच ए ऊपर की तरफ मूव कर गया, बी और सी जो है नीचे की तरफ आ गए, फिर ओ एच ने अपनी जगह बना ली, बी आर यहाँ से निकल गया तो सारी चीज़ें अपनी तरफ चली गई, एच ए जो यहाँ था वो एच ए यहाँ आ गया, एच बी जो वेच पे था वो वेच पे ही चला गया बट डायरेक्शन ऑपोजिट हो गई, एच सी जो डैश पे था डैश पे ही चला गया बट डायरेक्शन ऑपोजिट हो गए, और ये बन गया, और बी आर माइनस यहाँ से जो है बेटा डिपार्ट कर गया। अब यहाँ अगर आप के ओ एच लेंगे तो या के बी आर बन जाएगा, एन ओ एच लेंगे तो ये एन ए बी आर बन जाएगा। और ये जो एक स्टेप में रिएक्शन हुआ है जिसका यही स्टेप आर डी एस स्टेप है, इसी को क्या बोला जाता है बेटा, एस एन टू। बोलो, बात समझ आई नहीं आई मैम, आरडीएस का क्या था एक बार और बोल दीजिए। मैंने कहा कि जो आपका रिएक्शन वन स्टेप है ना, और वन स्टेप रिएक्शंस ही हमारे रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होते हैं, मतलब यही वाले स्टेप से मैं रिएक्शन का रेट का पता लगाऊंगी, क्योंकि एक ही स्टेप है और तो कोई स्टेप ही नहीं है, ये एक ही है, दिस इज ऑल वन है ना। तो इसी रिएक्शन से मैं इसका रेट का जो है पता लगाऊंगी, यही मेरे रिएक्शन का आरडीएस स्टेप होगा। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? हाँ जी मैम, ये जो पेंटा कोऑर्डिनेटेड ट्रांजिशन स्टेट है इसमें सारे जो हाइड्रोजन है वो एक ही प्लेन में आ गए हैं। हाँ, अभी मैं इसी के खास बात बता रही हूँ, ये जो पेंटा, अब जेई क्या पूछता है, ये क्वेश्चन पास्ट ईयर का बड़ा ही फेमस सवाल है, वो पूछता है ये जो पेंटा कोऑर्डिनेटेड ट्रांजिशन स्टेट है इसमें कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन क्या है। कार्बन को बेटा हम यहाँ पे sp2 हाइब्रिडाइज मानते हैं, क्यों, क्योंकि ये जो पार्शियल बॉन्ड्स होते हैं ना मैं इनको हाइब्रिडाइजेशन में काउंट नहीं करती हूँ। तो हाइब्रिडाइजेशन में मैं किसको काउंट करेंगे, पूरे बॉन्ड को, तीन सिग्मा बॉन्ड मतलब sp2, इसलिए ये तीनों H एक ही प्लेन में होंगे सृष्टि, आई बात समझ, क्योंकि इसके हाइब्रिडाइजेशन sp2 है। तो ये कार्बन यहाँ था sp3, पेंटा कोऑर्डिनेटेड में गया sp2 और वापस से क्या बन गया sp3, आई बात समझ। तो जरा देखो ये जो है, ये जो तीन ग्रुप्स हैं, इन तीनों ग्रुप्स को मैं यहाँ ऐसे दिखा रही हूँ एक अम्ब्रेला की फॉर्म में। अम्ब्रेला मुझे बहुत अच्छे से तो नहीं बनाना आता बट कोशिश कर रहे हैं, ऐसे ही होता है आपका अम्ब्रेला है ना। ये तीन ग्रुप्स जो है ये, क्योंकि देखो ये तीन ग्रुप्स ऐसे हैं तो ये अम्ब्रेला फॉर्म में मैंने ऐसे दिखा दिए। फिर उसके बाद ये तीन ग्रुप्स एक ही प्लेन में चले गए, मतलब अम्ब्रेला जो है ज़रा आपका सीधा सा हो गया,
और उसके बाद ये तीन ग्रुप्स इधर चले गए, तो अम्ब्रेला फिर से आपका कैसे हो गया बेटा, ऐसा हो गया, देख पा रहे हो? तो इसको आप ऐसा समझो कि ये जो अम्ब्रेला है ना आपका पूरा सीधे से उल्टा हो गया 360 डिग्री में, आप समझ पा रहे हो? उल्टा हो गई, तो ये तीन एच जो यहाँ ओरिएंटेड थे ये तीन एच यहाँ हो गए। इस प्रोसेस को बोला जाता है बेटा इनवर्जन। क्या बोला जाता है? इनवर्जन। तो SN2 की खास बात ये है कि SN2 में हमेशा इनवर्जन होगा, क्यों? क्योंकि पीछे से अटैक करना है। जब बैक साइड अटैक होने हैं तो ये जो तीन ग्रुप्स लगे हुए बैक साइड पे, इनको पहले इन प्लेन होना पड़ेगा, सीधा होना पड़ेगा, और फिर इस तरफ गिरना पड़ेगा। एक्चुअली न्यूक्लियोफाइल यहां से आ रहा है ना, तो पहले ये सीधा हुए, न्यूक्लियोफाइल अपना पार्शियल बॉन्ड बनाया और फिर यहां जाके न्यूक्लियोफाइल जो है लग गया और अम्ब्रेला इस साइड हो गया। तो ये जो तीन एच है ये पूरे अपनी पोजीशंस को क्या कर लेते हैं, इन्वर्ट कर लेते हैं। इसी को बोला जाता है SN2, मतलब इन्वर्जन। तो SN2 रिएक्शन ऑलवेज गिव्स इन्वर्जन। इन्वर्टेड प्रोडक्ट। अब इन्वर्जन क्या है उसको भी बहुत डिटेल में समझाऊंगी, बट यहां तक आप लोगों को क्लियर हुआ? बेसिक बेसिक फंडा क्लियर हुआ? Yes, ma'am. बना लिया सब लोगों ने? हटा दूं? Yes, ma'am. One second. अच्छा सॉरी, कोई बात नहीं। मैम इन्वर्जन रीजन सिर्फ और सिर्फ उस OH माइनस न्यूक्लियोफाइल के बैक साइड अटैक करने का है। हाँ, इन्वर्जन का रीजन ये है कि बैक साइड अटैक होता है न्यूक्लियोफाइल का। मैम जो ये KOH वगैरह का आपने लिख रखा है ये भी अभी नोट कर ले कि एक्वस KOH हमेशा न्यूक्लियोफाइल की तरह। हाँ नोट कर लो, नोट कर लो, बिल्कुल नोट कर लो, इम्पोर्टेंट है। Yes, ma'am. ठीक है, चलिए। तो क्या क्या समझ आया था SN2 के लिए, ये जो साथ साथ लिखना, आपको एक समझ आया कि ये सिंगल स्टेप रिएक्शन है। दूसरी चीज समझ आई यहाँ पे कि बैक साइड अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल होता है। ये समझ आ गया बैक साइड अटैक क्यों होता है, क्योंकि फ्रंट साइड अटैक में लोन पेयर से रिपल्शन हो जाएगा, है ना। तीसरी चीज क्या होती है कि यहां पे इन्वर्जन होता है ऑफ कॉन्फिगरेशन। चौथी चीज यहां होती है पेंटा कोऑर्डिनेटेड ट्रांजिशन स्टेट। ठीक है, अब जरा और समझते हैं, इस रिएक्शन को देखते हैं। एच डी टी लगा दिया मैंने यहाँ पे, और यहाँ मैंने एक लिविंग ग्रुप, एल मतलब लिविंग ग्रुप, नॉट नेसेसरी हैलोजन, कोई भी है, लिविंग ग्रुप ही तो होना चाहिए। न्यूक्लियोफाइल ने बैक साइड अटैक करा, ये यहाँ से निकला, पेंटा कोऑर्डिनेटेड ट्रांजिशन स्टेट मिली, एच ऊपर गया, डी इधर गया, टी इधर गया, यहाँ न्यूक्लियोफाइल आ गया बेटा, यहाँ पे लिविंग ग्रुप आ गया, जो बनना था बना, जो बन टूटना था टूटा, तो एच यहाँ चला गया, डी अपना वही है। आप ये नोटिस करिए सबसे पहले कि जो वेज पर है बेटा वो वेज पे ही रह रहा है, जो डैश पे है बेटा वो डैश पे ही रह रहा है, बस जो लेफ्ट हैंड साइड थे ग्रुप सब वो सारे के सारे कहाँ शिफ्ट हो गया है, राइट हैंड साइड, बस इतना फर्क पड़ा है ना, यही तो हुआ है और यही रिएक्शन का आरडीएस है। अब एक बात बताइए, क्योंकि यही एक लौता स्टेप है, इस लौते स्टेप में ही मुझे रिएक्शन का रेट जो है पता करना है, तो ये बात तो पक्की हुई कि इस स्टेप में जो जो चीजें इन्वॉल्व हो रही है वो रेट को अटैक अफेक्ट करने वाली है ना। तो सबसे पहली चीज क्या अफेक्ट करने वाली है, रेट को, न्यूक्लियोफाइल का अटैक। दूसरा, जब न्यूक्लियोफाइल यहां जाके अपनी जगह बना रहा है तो ये जो ग्रुप्स लगे हैं ये भी तो न्यूक्लियोफाइल को हिस्टेरिक हिंड्रेंस क्रिएट कर रहे होंगे, तो
तो ये ग्रुप्स भी अफेक्ट करेंगे न्यूक्लियोफाइल को, साथ में लिविंग ग्रुप जो है वो भी अफेक्ट करेगा रेट को. क्यों? क्योंकि लिविंग ग्रुप भी निकल रहा है. तो चार, तीन चार चीजें हो रही हैं. न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है तो वो अच्छा होना जरूरी है, ये ग्रुप्स छोटे होने जरूरी है, क्योंकि अदरवाइज ये ग्रुप्स अगर बड़े होंगे तो न्यूक्लियोफाइल को जगह ही नहीं मिलेगी कार्बन पे अटैक करने की, क्योंकि वो अंदर घुस के अटैक कर रहा है ना. तो दीज ग्रुप्स हैज टू बी स्मॉलर इन साइज. तीसरी चीज अच्छी क्या होनी चाहिए कि लिविंग ग्रुप अच्छा होना चाहिए. पता चले न्यूक्लियोफाइल तो अटैक करना चाह रहा है, लिविंग ग्रुप ही नहीं निकलना चाह रहा है ना, लिविंग ग्रुप को निकलना भी है. तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, अ गुड न्यूक्लियोफाइल विल फेवर SN2. अगर आपके पास अच्छा न्यूक्लियोफाइल है तो फेवर होगा SN2. क्यों? क्योंकि न्यूक्लियोफाइल जो है वो रेट, जो स्टेप रेट को डिटरमाइन कर रहा है, RDS स्टेप उसी में इन्वॉल्व है. तो अगर न्यूक्लियोफाइल अच्छा नहीं होगा ऑटोमेटिकली रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा बेटा, स्लो हो जाएगा, है ना. तो गुड न्यूक्लियोफाइल विल फेवर SN2, या फिर मैं बोल सकती हूँ गुड न्यूक्लियोफाइल इंक्रीजेस द रेट ऑफ SN2. अब सबसे बड़ा सवाल आता है अच्छा न्यूक्लियोफाइल कौन होता है. तो अच्छे न्यूक्लियोफाइल के लिए कुछ पॉइंट्स याद रखेंगे, ये मैंने पहले भी कराया है, मैं दोबारा करा रही हूँ ताकि आप लोग भूले ना. न्यूक्लियोफिलिसिटी किन चीज़ों पे डिपेंड करती है, तो फैक्टर्स अफेक्टिंग न्यूक्लियोफिलिसिटी. सबसे पहली चीज न्यूक्लियोफिलिसिटी अफेक्ट होती है कि हमेशा याद रखिए अ नेगेटिव चार्ज न्यूक्लियोफाइल इज बेटर देन न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल. तो अगर मैं एक जगह पानी लूं न्यूक्लियोफाइल में और एक जगह मैं OH माइनस लूं, तो दोनों में से बेटर न्यूक्लियोफाइल कौन होगा बेटा, OH माइनस, क्योंकि उसमें नेगेटिव चार्ज है. ठीक है, अ न्यूक्लियोफाइल वेयर एडजेसेंट एटम ऑल्सो बियर्स लोन पेयर इज अ बेटर न्यूक्लियोफाइल. मतलब अगर मैंने पास एक एटम है जिसमें, मतलब एक है वाटर H2O जिसमें वो O पे लोन पेयर है, और एक है H2O2 जिसमें O पे तो लोन पेयर है और O के एडजेसेंट भी एक ऐसा एटम है O जिसपे लोन पेयर है, तो वो ज़्यादा न्यूक्लियोफिलिक होगा कंपेयर टू पहले वाले से. बात समझ आ रही है सबको? यस मैम. ये हटा दो, ये ब्लू वाला आप लोगों ने नोट कर लिया. चलिए तीसरा पॉइंट देख रहे हैं. तीसरा पॉइंट ये कहता है कि इफ अटैकिंग एटम इज द सेम देन न्यूक्लियोफिलिसिटी पैरेलल्स बेसिसिटी. ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट पॉइंट है. इसका मतलब ये है कि जब आपका अटैकिंग एटम सेम हो, जैसे कि CH3CH2O- OH- CH3CO- CO- और PHO-, सब में आप देख रहे हैं अटैकिंग एटम क्या है बेटा, O. तो न्यूक्लियोफिलिसिटी पैरेलल्स बेसिसिटी का क्या मतलब है कि जो ऑर्डर बेसिसिटी का होगा सेम ऑर्डर किसका होगा बेटा, न्यूक्लियोफिलिसिटी का. और बेसिसिटी का ऑर्डर कैसे पता चलेगा, बेसिसिटी के ऑर्डर के लिए आप ये बात याद रखिए, स्ट्रॉन्गर एसिड हैज वीकर एंड स्टेबल कॉन्जुगेट बेसिस. तो
अगर ये कॉन्जुगेट बेसिस स्टेबल होंगे तो एसिड स्ट्रॉन्गर होगा और ये साथ साथ क्या हो जाएंगे मेरे, वीकर भी हो जाएंगे. क्या आप ये रिलेट कर पा रहे हैं? स्ट्रॉन्गर एसिड हैज अ वीकर एंड अ स्टेबल कॉन्जुगेट बेस. यस मैम. तो यहाँ पे ये एक कॉन्जुगेट बेस है जिसपे ये जो ग्रुप लगा हुआ है इसका क्या होगा, प्लस आई इफेक्ट. यहाँ एक कॉन्जुगेट बेस है जिसपे जो ग्रुप लगा है इसका नो प्लस आई नो माइनस आई एच है. यहाँ जो ये ग्रुप लगा हुआ है यहाँ देखिए कॉन्जुगेट बेस जो है रेजोनेंस में जाएगा और वो भी कौन सी, इक्वी एनर्जी. और यहाँ जो है ये भी रेजोनेंस में जाएगा बट नॉट इक्वी एनर्जी. तो इनमें से सबसे स्टेबल कौन सा हुआ बताओ? थर्ड नंबर वाला स्टेबल हुआ, ये वाला स्टेबल हुआ सबसे ज्यादा. फिर कौन स्टेबल हुआ? ये हुआ. फिर कौन हुआ? ये हुआ. सबसे बेकार कौन हुआ? ये हुआ. तो जो जितना स्टेबल होगा उसका कॉन्जुगेट बेस उतना ही क्या होगा, वीकर होगा. तो बेसिसिटी का ऑर्डर क्या होगा, जस्ट इसका ऑपोजिट. ये सबसे वीकर बेस हो जाएगा, ये स्ट्रॉन्गर हो जाएगा कंपैरेटिवली, ये और स्ट्रॉन्गर बेस हो जाएगा, ये और स्ट्रॉन्गर बेस हो जाएगा. और जो बेसिसिटी का ऑर्डर है, क्योंकि अटैकिंग एटम सेम है, तो वही ऑर्डर किसका होगा बेटा, न्यूक्लियोफिलिसिटी का होगा. तो ये ज़्यादा न्यूक्लियोफिलिक भी होगा. ये बात कौन बच्चे समझ पाए? काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा वाली इम्पॉर्टेंट है ये. अबे तेरे को तो मैं 50 में बताती हूँ, तेरे को तब भी नहीं समझ आता है अक्षत. मैम. हाँ मैम, ये फर्स्ट वाले में प्लस आई इफेक्ट हो रहा है तो फिर वो उसको इलेक्ट्रॉन दे देगा तो वो ज्यादा स्टेबल नहीं होगा OH माइनस का? बेटा चार्ज तो बर्डन है मैम, बट फिर वो उसको, अच्छा अच्छा सॉरी, हाँ इलेक्ट्रॉन दे रहा है ना, और हाँ ठीक है, उसको बर्डन बढ़ा रहा है ना उसका, तो अनस्टेबल हो जाएगा है ना. यस मैम. हाँ अक्षत समझाऊं? यस मैम. क्यों समझाऊं, क्या समझाना गया इसमें, तुझे डाउट का है? मैम ये स्टेबिलिटी का ऑर्डर आपने देखा है पहले. हाँ. ये जैसे CH3CO ज्यादा स्टेबल होगा. तुझे स्टेबिलिटी का ऑर्डर समझ आ गया? यस मैम. तो अगर स्टेबल है तो कॉन्जुगेट एसिड ज्यादा एसिडिक होगा. कॉन्जुगेट एसिड हाँ ज्यादा एसिडिक होगा. तो उसका बेस जो होगा वो वीकर हो गया ना ऑटोमेटिकली. हाँ ठीक है, वो वीकर हो गया. तो न्यूक्लियोफिलिक मतलब कैसे होगा फिर? ये इसमें लिखा ना हमने कि अगर अटैकिंग एटम सेम है तो न्यूक्लियोफिलिसिटी और बेसिसिटी पैरेलल है, मतलब सेम है, उनका ऑर्डर सेम है. अटैकिंग एटम सेम है क्योंकि अटैकिंग एटम सब में ऑक्सीजन है ना. तो जब अटैकिंग एटम सेम होता है, जो बेसिसिटी का ऑर्डर होता है वही न्यूक्लियोफिलिसिटी का ऑर्डर होता है. अच्छा ओके ओके. चलो आगे चलें, डी नंबर पे पहुंचते हैं हम. इफ अटैकिंग एटम, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है. बिलोंग्स टू सेम पीरियड देन ऑल्सो न्यूक्लियोफिलिसिटी पैरेलल बेसिसिटी. मतलब जब सारे जो भी एटम्स अटैक कर रहे हैं न्यूक्लियोफिलिक हैं, उन सब में अगर वो सारे एक ही पीरियड के हैं, मतलब कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन सेम पीरियड के हैं, तो जो न्यूक्लियोफिलिसिटी का ऑर्डर होगा वही बेसिसिटी का भी जो है ऑर्डर बन जाएगा. मतलब कि जैसे कि मैंने ले लिया, काफ़ी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, CH3- और आपका हो गया OH-, एक हो गया आपका NH2-, और देखिए F-. क्या आप देख पा रहे हैं सारे एटम जो हैं एक ही पीरियड के हैं? तो वही चीज़ होगी, सेम ऑर्डर जो भी न्यूक्लियोफिलिसिटी का होगा वही किसका होगा, बेसिसिटी का. ये एग्जांपल्स दिमाग में बेटा छप जाने चाहिए, ये एज इट इज पूछा जाता है. मतलब मैं कितना बताऊँ कि ये कितना ज़्यादा बेसिक और इतना ज़्यादा बार पूछा जाता है ना, आप उसको सोच ही नहीं सकते. हर
साल इससे रिलेटेड कभी ये क्वेश्चन और सेम एग्जाम्पल्स के साथ आता है, ठीक है। तो इसको बड़े ध्यान से मतलब अच्छे से समझ लो कि अभी फिर से न्यूक्लियोफिलिसिटी का ऑर्डर बेसिसिटी का ऑर्डर है। तो सबसे पहले काम करो, आप इन सबका कॉन्जुगेट एसिड बना लो, क्योंकि एसिड जितना ज्यादा स्ट्रॉन्गर होगा उतना कॉन्जुगेट बेस क्या हो जाएगा बेटा, वीकर हो जाएगा। तो ये सारे आप देख रहे हैं एक पीरियड से बिलोंग कर रहे हैं। तो जब मैं लेफ्ट से राइट जाती हूँ पीरियड में, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ जाती है। तो ये जो बॉन्ड होता है एच एफ का बॉन्ड में ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है, तो इसलिए ये जो बॉन्ड है बहुत आराम से टूटता है कम्पेयर टू ओ एच बॉन्ड, कम्पेयर टू एन एच बॉन्ड एंड कम्पेयर टू सी एच बॉन्ड। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है बेटा, तो एसिडिटी जो है वो बढ़ जाती है। तो अगर इनकी एसिडिटी बढ़ गई मतलब मीथेन से ज़्यादा एसिडिक हुआ अमोनिया, अमोनिया से ज़्यादा एसिडिक हुआ वाटर, और वाटर से ज़्यादा एसिडिक हुआ एच एफ। तो अगर एसिडिटी बढ़ेगी तो कॉन्जुगेट बेसिसिटी क्या होगी, घटेगी। तो मतलब सी एच थ्री माइनस ज़्यादा बेसिक हो जाएगा देन एन एच टू माइनस से, वो ज़्यादा बेसिक हो जाएगा देन ओ एच माइनस से, और वो ज़्यादा बेसिक हो जाएगा किससे, एफ माइनस से। और जो बेसिसिटी का ऑर्डर है बेटा वही किसका ऑर्डर होगा, न्यूक्लियोफिलिसिटी का भी ऑर्डर होगा। तो न्यूक्लियोफिलिसिटी एंड बेसिसिटी अगैन विल हैव द सेम ऑर्डर। बोलिए बात क्लियर है मैम? एक बार ये वापस बता दो कि अपने एसिडिटी कैसे डिटरमाइन किया। मैंने कहा देखो दो दो चीज़ें ना याद रखना पीरियोडिसिटी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी आप लोगों के लिए, मैं ये हटा रही हूँ यहाँ से। दो चीज़ें याद रखना, जब भी आप पीरियड में किसी को कंपेयर करो तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखो, डाउन द ग्रुप अगर किसी चीज़ को कंपेयर करो तो साइज को एज अ पैरामीटर देखो, ठीक है। तो जब मैं लेफ्ट से राइट जाती हूँ तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है, कार्बन से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव नाइट्रोजन, नाइट्रोजन से ऑक्सीजन, ऑक्सीजन से फ्लोरीन, है ना। तो अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी तो चार सेपरेशन आएगा, चार सेपरेशन आएगा तो बॉन्ड टूटना चाहेगा, एच प्लस निकलना चाहेगा, है ना। तो अगर एच प्लस निकलेगा तो एसिडिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। आई बात समझ? अब जरा इस चीज़ को ना यहाँ लगा के देखो, यहाँ तक समझ आया तो मैं तुम्हें कुछ क्लियर करूँ। यहाँ तक क्लियर है मैम? एक चीज है इसमें कि ये C और H के बीच में तो ना के बराबर होता है ना चार्ज सेपरेशन। हाँ, तभी तो वो नहीं टूटता ना बॉन्ड। ऐसे कहाँ देखा तूने मीथेन को, देखा कभी एसिडिक? नहीं। तो फिर वही तो बोल रही, बेस सबसे वीक हो जाएगा बेस एसिड, क्योंकि वो H देता ही नहीं, H प्लस निकल ही नहीं सकता, उसमें होमोलिटिक क्लीवेज होनी मुश्किल है। हेट्रोलिटिक क्लीवेज मतलब होमोलिटिक क्लीवेज होती है, उसमें हेट्रोलिटिक क्लीवेज होनी मुश्किल है। ओके, प्रांजय को समझ आया इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला फैक्टर? Yes, समझ। अब जरा सोचो कि ये चीज मैंने यहाँ नहीं लगाई थी जब मैं एच एफ एच सी एल और एच बी आर और एच आई की बात कर रही थी, यहाँ तो नहीं लगाया था। या मैंने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखा था? नहीं, क्योंकि अगर मैं यहाँ देखती ना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो एसिडिटी घट जाती, बताओ क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो रही है ना। तो मैं वही बताना चाह रही हूँ, जब आप ग्रुप में देखो ना तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फैक्टर ही नहीं है, ग्रुप में फैक्टर क्या है, साइज। और पीरियड में देखो तो साइज फैक्टर कौन सा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इसको बड़े ध्यान से समझना, इससे पीरियोडिसिटी और आगे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के सारे सवाल इससे बन जाएंगे। ये फैक्टर याद रहना चाहिए बस। क्लियर? यस मैम। चलिए ये सब हटा दें। yes, ma'am. तो हमने पांच इफेक्ट देख लिए, ये वाले पांच देखे, डी तक पहुंचे थे ना, पता नहीं कहाँ तक पहुंचे थे, चलो ई बता देती हूँ। एक और सबसे इम्पॉर्टेंट इफेक्ट है न्यूक्लियोफिलिसिटी का, वो है एज वी मूव डाउन द ग्रुप। न्यूक्लियोफिलिसिटी इंक्रीजेस, बेसिसिटी डिक्रीजेस। ये चीज़ काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। कैसे? जैसे सपोज आप H2O से H2S पे चले, है ना, तो H2O का हुआ OH माइनस, HS का हुआ SS, ये माइनस है ना। तो डाउन द ग्रुप आपको मैंने ये तो बताया कि साइज़ बढ़ता है, साइज़ बढ़ता है तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी कम हो जाती है और एसिडिटी बढ़ती है ना। तो ये बात तो पक्की है, अगर एसिडिटी बढ़ेगी तो बेसिसिटी घटेगी। तो इन दोनों में अगर बेसिसिटी का ऑर्डर बोला जाए तो ओ एच माइनस ज़्यादा बेसिक होगा एस एच माइनस से, बट अगर न्यूक्लियोफिलिसिटी का ऑर्डर बोला जाए उल्टा हो जाएगा।
OH माइनस बेकार न्यूक्लियोफाइल होगा और SH माइनस ज्यादा अच्छा न्यूक्लियोफाइल होगा, तो डाउन द ग्रुप न्यूक्लियोफिलिसिटी जो है बढ़ जाती है। न्यूक्लियोफिलिसिटी क्यों बढ़ती है यार? न्यूक्लियोफिलिसिटी एक्चुअली एक बहुत डिफरेंट फिनोमेना है। इसमें क्या होता है, नेगेटिव चार्ज जो होता है ना वो जितना ज्यादा पोलराइज होगा, मतलब अपने अंदर जितना ज्यादा वो अस्टेबलाइज हो जाएगा, न्यूक्लियोफिलिसिटी उतनी बढ़ जाती है। तो डाउन द ग्रुप जाते हैं तो नेगेटिव चार्ज स्टेबलाइज हो जाता है एस से, है ना, और एस से अगर न्यूक्लियोफिल, क्योंकि साइज बढ़ गया तो न्यूक्लियोफिलिसिटी बढ़ गई, लेकिन बेसिसिटी इसलिए घट जाती है क्योंकि अगर कॉन्जुगेट बेस स्टेबल हो जाता है ना तो वो वीकर हो जाता है। अच्छा। समझ रहे हैं? अच्छा, तो यहाँ पे जो स्टेबिलिटी वो है वो न्यूक्लियोफिलिसिटी को तो बढ़ाती है पर बेसिसिटी को घटा देती है। अच्छा ठीक है, ठीक है। तो अगर आपके पास ये आए तो आप ये ध्यान रखिए कि सल्फर ज्यादा अच्छा न्यूक्लियोफिलिक है किससे, ऑक्सीजन से। ये भी काफी, मतलब ये जो लास्ट के मैंने तीन पॉइंट्स आपको बताया ना, ये आप एक तरीके से माने न्यूक्लियोफिलिसिटी का अगर कोई सवाल आता है तो वो इन तीनों से ही आता है। इसके ऊपर वाले दो तो इतने इंपॉर्टेंट है ही नहीं। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा है, लास्ट के जो तीन हमने डिस्कस करे हैं, सेम पीरियड सेम एलिमेंट अटैकिंग एटम एंड डाउन द ग्रुप न्यूक्लियोफिलिसिटी इंक्रीजेस बेसिसिटी डिक्रीजेस। तो इसलिए अगर एफ माइनस सी एल माइनस बी आर माइनस और आई माइनस की भी बात करूँ ना तो न्यूक्लियोफिलिसिटी आई माइनस के अंदर बहुत अच्छी है। अब ये आपसे कन्फ्यूज मत होना, मैं न्यूक्लियोफिलिसिटी की बात कर रही हूँ, लीविंग ग्रुप की बात नहीं कर रही। ये न्यूक्लियोफिलिसिटी है, न्यूक्लियोफिलिसिटी आई माइनस की बहुत अच्छी होती है। क्लियर, डाइजेस्ट हो गया जितना मैंने पढ़ाया? खिचड़ी तो नहीं बनी किसी की? मैम अभी आपने क्या बोला कि इसको क्या मत समझना, ये लीविंग ग्रुप की टेंडेंसी नहीं है। लीविंग ग्रुप की टेंडेंसी हालांकि यही होती है बट मैं अभी वो डिस्कस नहीं कर रही, मैं न्यूक्लियोफिलिसिटी डिस्कस कर रही हूं। ठीक है, यस मैम। क्योंकि लीविंग ग्रुप की टेंडेंसी बेसिसिटी से देखी जाती है ना, तो वीकर बेस बेटर लीविंग ग्रुप, तो वो दो डिफरेंट चीजें हैं, है ना। आई माइनस जो है एक अच्छा न्यूक्लियोफाइल भी है और अच्छा लिविंग ग्रुप भी है। ऑल्सो गुड लिविंग, बट वो अच्छा न्यूक्लियोफाइल इसलिए नहीं है क्योंकि वो एक अच्छा लिविंग ग्रुप है। नहीं, वही तो मैं बोल रही, दोनों इंडिपेंडेंट है। वो अच्छा न्यूक्लियोफाइल इसलिए है क्योंकि डाउन द ग्रुप न्यूक्लियोफिलिसिटी बढ़ती है और ये स्टेबल है। मैंने अभी बताया ना, स्टेबिलिटी न्यूक्लियोफिलिसिटी को बढ़ा रही है। और ये अच्छा लीविंग ग्रुप इसलिए है क्योंकि ये वीक बेस है। वीक बेस गुड लीविंग ग्रुप, याद है? यस मैम, समझ गया। हम तो हर जगह ट्रेंड ये, नो एक्सेप्शंस, कि जैसे ग्रुप के नीचे जाएंगे तो न्यूक्लियोफिलिसिटी बढ़ेगी और बेसिसिटी कम होगी। हाँ, हमेशा, नो एक्सेप्शन। तो आई माइनस इज अ गुड न्यूक्लियोफाइल एंड अ गुड लीविंग ग्रुप, और एफ माइनस यहाँ पे इस पर्टिकुलर केस में आप देख रहे हैं। हाँ, बट सॉल्वेंट रोल यहाँ पे बहुत प्ले करता है, वो मैं अभी आगे, अभी मैं कॉम्प्लिकेट नहीं कर रही उसे लेकर। सॉल्वेंट का रोल आगे न्यूक्लियोफिलिसिटी को बहुत अफेक्ट करेगा, बट अभी के लिए आप ये मानो कि नो एक्सेप्शंस, ठीक है? बट ऐसा कुछ होता नहीं है ना कि नथिंग लाइक नो एक्सेप्शंस इन केमिस्ट्री। मैम अगर कोई गुड न्यूक्लियोफाइल है और लीविंग ग्रुप बेकार है तो न्यूक्लियोफाइल अटैक नहीं कर पाएगा? अब बात वही है ना कि वही अटैक कर रहा है नहीं कर रहा। अगर वही अटैक कर रहा है, देखो अब तुमने जो बोला ना, ये तुमने एक ऐसा काम बोल दिया जिसमें आप लिविंग ग्रुप को ही अटैक करा रहे हो, है ना। मेरा लिविंग ग्रुप नहीं अटैक करता ना बेटा, तो मेरी बात समझी? अस्मी समझ गई मेरी बात? फिर से बता दीजिए। मैंने बोला कि अगर तू लिविंग ग्रुप और न्यूक्लियोफिलिसिटी को आपस में रिलेट कर रही है तो इसका मतलब ये हुआ कि तू जो लिविंग ग्रुप निकाल रही है ना उसी को न्यूक्लियोफाइल बना रही है, जबकि ऐसा थोड़ी होता है। नहीं समझी? No, ma'am. जैसे सपोज तुमने बोला, क्या बोला था कि एक अच्छा न्यूक्लियोफाइल है और बैड लिविंग ग्रुप है, या क्या बोला था तुमने? मैम अच्छा न्यूक्लियोफाइल है और बुरा लिविंग ग्रुप है। हाँ चलो, मैं ए माइनस की बात कर रही हूँ, वो गुड न्यूक्लियोफाइल है और वो बैड लिविंग ग्रुप है, ठीक है। ऐसा हो सकता है, ऐसी पॉसिबिलिटीज एग्जिस्ट करती हैं, ठीक है। अब एक बात सोचो, अगर मैं एक सबस्ट्रेट ले रही हूँ, लेट्स से CH3 समथिंग, तो अगर मैं इसको ही लिविंग ग्रुप की बात कर रही हूँ तो मैंने ए ही लगाया है और इसी की न्यूक्लियोफिलिसिटी की बात कर रही हूँ, मतलब मैं ए को ही अटैक करा रही हूँ। Yes, ma'am. तो ऐसा थोड़ी होगा भाई, न्यूक्लियोफाइल हैज टू बी डिफरेंट फ्रॉम लिविंग ग्रुप। तो ये दो चीजें इंटर रिलेटेड नहीं है ना, इनको आपस में कंपेयर मत करो, क्योंकि जो निकलता है वो अटैक नहीं करता।
और जो अटैक कर रहा है वो निकलता नहीं है. यस मैम. है ना. शैल आई रिमूव दिस? यस मैम. ठीक है. तो अभी आपने न्यूक्लियोफिलिसिटी के लिए जो चीजें याद रखी वो आपको समझ आ गई. ठीक है. अब जरा थोड़ा सा आगे चलते हैं और SN2 के ऊपर. तो SN2 में मैंने लिखा कि SN2 ऑलवेज गिव यू इन्वर्जन. राइट. इस इन्वर्जन का क्या मतलब, क्या व्हाट डू मीन बाय इन्वर्जन हियर? अगर मैं आपको बोल रही हूं इन्वर्जन तो आपके दिमाग में पहली चीज क्या आ रही है? उल्टा. उल्टा हो रहा है ना. और क्या आपके दिमाग में कोई भी चीज ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म से रिलेटेड आ रही है? यस मैम. क्या आ रही है? एनांचुमर्स और जो भी थे वो. मतलब इन्वर्जन का मतलब कहीं भी ऐसा हो सकता है कि भाई जो है उसकी मिरर इमेज बन जाए या फिर आर का एस हो जाए, समथिंग लाइक दिस. है ना. मैं दो तीन चीज़ें अब यहाँ पे आपको क्लियर करूँगी क्योंकि यहाँ से 100% सवाल है. मतलब 100% सवाल है. ये बात सुनना. देखिए क्या है, मेरे पास ये सबस्ट्रेट है. मैंने यहाँ एक न्यूक्लियोफाइल ले लिया, कोई भी ले लिया. लेट्स से मैंने आई माइनस ले लिया न्यूक्लियोफाइल. ये अटैक किया, ये बी आर यहाँ से निकला. ठीक है. यहाँ पे इन्वर्जन होगी. क्यों? क्योंकि ये कायरल सेंटर है. सबसे पहली चीज़ एक याद रखना, इन्वर्जन हमेशा होगी लेकिन नज़र सिर्फ तब आएगी जब ये बॉन्ड क्या होगा, जब ये कार्बन क्या होगा, कायरल. क्यों? क्योंकि अगर ये कायरल कार्बन नहीं है, लेट्स से वो सी एच थ्री बी आर वाला कंडीशन है ना. तो आई माइनस ने अटैक किया, ये निकला और सी एच थ्री आई बन गया. आप ऐसे ही बना रहे हो. लेकिन इस केस में क्या ये कार्बन कायरल है क्या बेटा? नहीं है. तो अगर ये कायरल नहीं है तो ना ये पहले ऑप्टिकल एक्टिव था ना ये अब ऑप्टिकल एक्टिव है. ऑप्टिकल एक्टिविटी तो इसके अंदर कुछ है ही नहीं. है ना. अब ये रिएक्शन तो मैंने तो आपके सामने ऐसे लिख कर दिखा दिए, बट ये रिएक्शन ऐसे हवा में थोड़ी होते हैं. ये तो सोल्यूशन फेज में होते हैं ना रिएक्शन. तो सोल्यूशन फेज में कब आए ने आके अटैक कर दिया और बी आर हो गया, तो मुझे क्या पता चल रहा है इन्वर्जन हो रही है नहीं हो रही. भाई मुझे अगर ये पता करना है कि इन्वर्जन हो रही है नहीं हो रही तो मुझे एक्सपेरिमेंट्स कंडक्ट करने होंगे. जब मैं एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करूंगी इन्वर्जन का, तो वो सिंपल से एक्सपेरिमेंट जो मैं कंडक्ट कर सकती हूँ वो है प्लेन पोलराइज लाइट वाला. कि प्लेन पोलराइज पहले राइट हैंड साइड रोटेट कर रही थी, अब लेफ्ट हैंड साइड रोटेट कर रही है, तो मैं बोल दूंगी भैया इन्वर्जन हुआ है. समझ रहे हो? या कुछ और एक्सपेरिमेंट मैं करूंगी जिससे मैं देख पाऊँ कि इन्वर्जन हुआ नहीं हुआ. जब ये कायरल कार्बन ही कायरल नहीं है, हालांकि इन्वर्जन हुआ है लेकिन मुझे क्या पता इन्वर्जन हुआ है. मैं तो स्ट्रक्चर आपके सामने बना देती हूँ इसलिए आप देख लेते हो. लेकिन उस साइंटिस्ट को सोचो ना जो रिएक्शन वेसल में कर रहा है, उसको थोड़ी ये दिख रहा है कि हाँ आई आ गया उड़ता उड़ता, उसने अटैक कर दिया और बीआर निकल गया. ये तो थ्रेटिकली हो रहा है, प्रैक्टिकली वो देख थोड़ी पा रहे हैं कि ये सब चीज़ें हो रही है ना. तो इन्वर्जन तो हमेशा होता है लेकिन नज़र सब तब आता है जब कायरल कार्बन का इन्वॉल्वमेंट हो. तो याद रखिए एक साइंटिस्ट था वॉल्डन, उसने इन्वर्जन को अपने नाम पे, मतलब उसने डिस्कवर किया इन्वर्जन. तो ये वॉल्डन इन्वर्जन हमें सिर्फ तभी नजर आएगा जब अ बॉन्ड टू अ कायरल सेंटर इज ब्रोकन. देन ओनली वॉल्डन इन्वर्जन इज ऑब्जर्व्ड इन SN2. होता तो ये पहले भी है लेकिन ऑब्जर्व सिर्फ तब होता है जब कायरल सेंटर की इन्वॉल्वमेंट हो. ये सबको क्लियर हो गया? इसमें किसी को कोई डाउट नहीं है ना? ठीक है. अब इसका मतलब मैंने ये जो केस लिया है इसमें वॉल्डन इन्वर्जन जो है, ये जो भी इन्वर्जन हो रही है वो मुझे दिख रही है. अब इन्वर्जन से जो एक हमारे दिमाग में चीज आती है वो होती है कि हो सकता है पहला वाला कंपाउंड इनांशियोमर हो, मतलब जो पहला वाला स्ट्रक्चर हो सकता है वो डेक्स्ट्रो रोटेटरी हो, दूसरा वाला लीवो रोटेटरी हो. है ना. आप
आप जो मर्जी किताब फॉलो कर लो, कितनी भी अच्छी फॉलो कर लो, कितनी भी बुरी फॉलो कर लो, इवन आप सीबीएसई की एनसीईआरटी की बुक देख लो, आप नूतन देख लो, आप चुक देख लो, या आप कोई और अगर बहुत अच्छे केमिस्ट्री में इंटरेस्ट रखते हो, हालांकि लगता तो नहीं है कि रखते होगे, बट अगर कोई रखते हो तो कितनी भी अच्छी केमिस्ट्री की बुक देख लो, हर जगह ऐसे ही लिखा रहता है कि अगर ये प्लस है तो प्रोडक्ट क्या होगा, माइनस, मतलब ये वाला कंपाउंड अगर डेक्स्ट्रो है तो ये वाला कंपाउंड क्या होना चाहिए, लीवो, तभी आप ऑब्जर्व कर पाओगे ना कि आपका इन्वर्जन हुआ है नहीं हुआ, आप मेरी बात समझ रहे हो, हाँ या ना, है ना। लेकिन अब मैं तुम्हें बताती हूँ रियालिटी क्या है, और ये रियालिटी ये है कि ऐसा जरूरी नहीं है कि जो डेक्स्ट्रो था वो इन्वर्जन के बाद लीवो हो जाए, क्यों, क्योंकि डेक्स्ट्रो और लीवो एक मतलब एक कंपाउंड की इनहेरेंट प्रॉपर्टी होता है, जब कंपाउंड ही बदल गया तो मुझे क्या पता वो डेक्स्ट्रो होगा लीवो होगा, वो तो मुझे लैब में जाके चेक करना पड़ेगा ना, कंपाउंड वही थोड़ी है, कंपाउंड तो चेंज हो गया भाई, बीआर की जगह आई लग गया है, दे आर टू डिफरेंट कंपाउंड्स, और डेक्स्ट्रो और लीवो कंपाउंड का नेचर होता है, मैं अगर डेक्स्ट्रो हो सकता कोई और लीवो, वो तो चेक करना पड़ेगा लैब में जाके, स्ट्रक्चर को देखकर थोड़ी पता चलेगा कि ये डेक्स्ट्रो है या लीवो है ना। तो मैं ये नहीं कह रही कि इन लोगों ने जो लिखा है वो गलत लिखा है, इन लोगों ने सही लिखा है, क्यों, क्योंकि उन्होंने लैब में जाके चेक किया है, बट एक्चुअली में वॉल्डन इन्वर्जन का कोई लेना देना नहीं है डेक्स्ट्रो और लीवो के साथ, ये बात मेरी कौन समझ पाया है, मैम तो ये कोइंसिडेंस था कि वो ये लीवो निकल गया, नहीं, हाँ एक तरीके से कोइंसिडेंस नहीं है, एक्चुअली हम एग्जांपल्स वही कोट कर रहे हैं जिसमें डेक्स्ट्रो लीवो में बदल रहा है, क्यों, क्योंकि तब मैं ऑब्जर्व कर पा रही हूँ इन्वर्जन, अगर सपोज ये डेक्स्ट्रो था और मेरा दूसरा कंपाउंड भी डेक्स्ट्रो होता, इन्वर्जन तो हो रही होती पर मैं ऑब्जर्व थोड़ी करती, मेरे तो लाइट में कोई रोटेशन का चेंज ही नहीं हुआ, मैम तो आई का वहां पे जाना और फिर वो सारे जो तीनों जो अम्ब्रेला था उसका राइट में शिफ्ट होना, हाँ, उसका कुछ फर्क नहीं पड़ता कि वो उसने उसने कुछ फर्क नहीं करा, हाँ, उसने फर्क किया, पता है क्या किया, इस इन्वर्जन का जो असली मतलब है वो है अरेंजमेंट ऑफ ग्रुप्स इन द स्पेस हैज बीन चेंज्ड, इसने फर्क किया ना, इसने ग्रुप्स की अरेंजमेंट बदल दी, जो ग्रुप लेफ्ट हैंड साइड पॉइंटेड थे वो सारे राइट हैंड साइड पॉइंटेड हो गए, जो लीविंग ग्रुप राइट से निकला है न्यूक्लियोफाइल लेफ्ट से लगा है, तो अरेंजमेंट्स चेंज हुए हैं, लेकिन डेक्स्ट्रो लीवो में बदलेगा नहीं बदलेगा इसकी मैं गारंटी नहीं ले सकती, हो सकता है बदल भी जाए, हो सकता है ना भी बदले, वो तो मुझे लैब में जाके चेक करना पड़ेगा, मैं थ्योरेटिकली स्ट्रक्चर को देखकर नहीं बोल सकती कि नहीं इन्वर्जन हुआ है तो 100% डेक्स्ट्रो लीवो में बदलेगा, बात समझ आई। तो अगर ये एक सवाल जो है ये एक बार पास्ट ईयर में आया था, जब ये एम्स में assertion reason आते हैं ना, तब ये क्वेश्चन आया था कि वॉल्डन इन्वर्जन ऑलवेज चेंजेस अ डेक्स्ट्रो कंपाउंड टू लीवो, चेंजेस डेक्स्ट्रो कंपाउंड टू लीवो, तो अब ये जो स्टेटमेंट है, इस स्टेटमेंट के लिए मैं बोल रही हूँ ये फॉल्स है, हमेशा बदलेगा नहीं बदलेगा कोई आइडिया नहीं है, जब तक मुझे लैब भी नहीं पता मुझे क्या पता बदल रहा है नहीं बदल रहा, क्योंकि ये दोनों जो है ये कंपाउंड का नेचर होता है, ये स्ट्रक्चर से इनका कोई लेना देना नहीं है, इसका स्ट्रक्चर से कोई मतलब नहीं है, कंपाउंड का नेचर है वो मुझे लैब में जाके चेक करना पड़ेगा। इन्वर्जन का यहाँ सही मायनों में जो मतलब है वो है कि ग्रुप्स का अरेंजमेंट स्पेस में क्या हुआ है, चेंज हुआ है, ये बात समझ गए सारे। अब मैं और अच्छी चीज़ बता देती हूँ, वो ये है, आप इस वाले ग्रुप को, इस वाले कार्बन को देखो, इसमें अगर आप RS दोगे प्रायोरिटी ऑर्डर वाइज डिसाइड करोगे तो आप BR की प्रायोरिटी 1 ही रखोगे, हाईएस्ट एटॉमिक नंबर, फिर इसको रखोगे एटॉमिक मास 2, इसको 3, इसको 4, यही रखोगे बेटा प्रायोरिटीज, है ना। अगर मैं इसका RS बनाना चाहूँ, ध्यान दीजिएगा मैं क्या बोल रही हूँ, कहाँ गया रेजर, ये रहा, तो यहाँ पर है फर्स्ट प्रायोरिटी, यहाँ पर है बेटा सेकंड प्रायोरिटी, इस पर है थर्ड प्रायोरिटी और इस पर है फोर्थ, और मैंने आप लोगों को क्लियर किया था RS में कि आपको फोर्थ वाले को किस पे लाना होता है, डैश पे लाना होता है, तो आप इवन एक्सचेंजेस करो, 2 और 4 को चेंज करो, तो इधर 2 इधर 4 और इधर 3 और 1 को चेंज कर दिया, तो इधर 3 इधर 1, तो बेटा 1 से गए 2, 2 से गए 3, एंटी क्लॉकवाइज क्या आया बेटा S, ये S कॉन्फिग्रेशन है। इधर आओ जरा प्रोडक्ट की तरफ, ठीक है, इस प्रोडक्ट को देखो जरा कहाँ गया, ये रहा, अरे 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 अरे, हाँ ये देखो, इधर देखो प्रायोरिटी अभी भी इसकी 1 होगी,
इसकी टू, इसकी थ्री, इसकी फोर. तो यहाँ पर है फर्स्ट प्रायोरिटी, यहाँ है फोर्थ प्रायोरिटी, यहाँ है थर्ड प्रायोरिटी, यहाँ पे है टू प्रायोरिटी. अब चेंजेस करो, इवन, फोर यहाँ कर दिया, टू यहाँ कर दिया, थ्री यहाँ कर दिया, वन यहाँ कर दिया. ठीक है, देखो ज़रा, वन से गए टू, टू से गए थ्री, देखो आर आ गया. सॉरी, ये आर था, ये एंड उल्टा कर दिया मैंने, ये आर था क्योंकि ये क्लॉकवाइज चल रहा है. तो ये देखिए, ये उल्टा हो गया इसका, ये एस हो गया, है ना. तो क्या आप देख पा रहे हैं इन्वर्जन मुझे कैसे नज़र आई है? आर किस में बदल गया है? एस में. अगर ये एस होता तो ये क्या होता? आर. ये है सिग्निफिकेंस इन्वर्जन का. लेकिन ये सिर्फ तभी होगा बेटा जब इसकी प्रायोरिटी और इसकी प्रायोरिटी सेम हो, क्योंकि आर और एस प्रायोरिटी का खेल है. अगर प्रायोरिटी सपोज इसमें कुछ और हो जाती, हो सकता आई की प्रायोरिटी वन ना होती, कुछ और होती, तो यहाँ पे होता ये आर बन जाता, है ना. लेकिन ये आर एस में बदलेगा, एस आर में बदलेगा, लेकिन सिर्फ तभी जब लिविंग ग्रुप और न्यूक्लियोफाइल की प्रायोरिटी क्या होती है? सेम होती है. और 99.999 केसेस में वो सेम ही होती है. इसलिए हम लोग मानते हैं इन्वर्जन. कैसे पता चल रही है मुझे इन्वर्जन हो रही है? थ्योरेटिकली कैसे पता चल रही है? आर एस में बदल रहा है और एस आर में बदल रहा है. डेक्स्ट्रो लेवल बदलेगा नहीं बदलेगा, मैं उसकी कोई गारंटी नहीं ले सकती, क्योंकि वो कंपाउंड का नेचर होता है. कितने बच्चे मेरे को 100% फॉलो कर लियो, 100% तुम्हें मेरी बात समझ आ गई है? मैम तो मतलब ये है कि अगर एग्जाम में इस जो आपने कंपाउंड दिया है और जो बुक्स में हमको दिया है उसके अलावा कंपाउंड आएगा तो हम ऐसा नहीं बता सकते, बट हमको उसका आरएस निकालना पड़ेगा ना. बिल्कुल करेक्ट बोला तूने. डेक्स्ट्रो होगा या लीवो होगा वो मैं नहीं बता पाऊंगी, लेकिन मैं आरएस करके बिल्कुल बता पाऊंगी कि इन्वर्जन हुआ है या नहीं हुआ. ठीक है, और क्योंकि मेरे को जितने भी केसेस मिलेंगे 99.999 उसमें यही होता है कि लिविंग ग्रुप और न्यूक्लियोफाइल की प्रायोरिटी हम लोग सेम ही रखते हैं, है ना. तो हमेशा आर एस में बदलेगा और एस आर में बदलेगा. और यही मेरे पास एकमात्र एविडेंस है इस चीज़ को प्रूफ करने के लिए कि इन्वर्जन हुआ है, क्योंकि इसके अलावा तो कोई एविडेंस ही नहीं है ना प्रूफ करने के लिए. भाई तुम इमेजिन करो, तुम्हारे पास दो बीकर है, उसमें सोल्यूशन है, तुमने मिला दिया, रिएक्शन हो गया, तुम्हें क्या दिख रहा है? तुम्हें तो सोल्यूशन दिख रहा है, तुम्हें क्या पता उसके अंदर ये सब चीज़ें हो रही हैं, है ना. तो तुम्हारे पास एकमात्र एविडेंस सिर्फ यही है थ्योरेटिकली प्रूफ करने का, वो है आर एस. तो तुम्हें आर एस की ही हेल्प लेनी पड़ेगी. समझ आई बात सबको? Yes, ma'am. इसको रब कर दूं? Yes, ma'am. अब जरा देखो, सपोज मैंने तुम्हें फिशर दे दिया ऐसे, CH3, यहाँ दे दिया एच, यहाँ दे दिया डी और यहाँ दे दिया BR. ठीक है, इसमें मैंने कहा NaI डालो. ठीक है, तो I माइनस मेरा न्यूक्लियोफाइल हो गया बेटा, और I माइनस न्यूक्लियोफाइल है तो क्या करा रहा है? SN2 करा रहा है बेटा. तो SN2 कहाँ से होगा? बैक साइड से. मतलब BR जहाँ से लगा है उसकी उल्टी डायरेक्शन से लगेगा. मतलब I कहाँ से लगेगा बेटा? यहाँ से, समझ रहे हो? और BR यहाँ से निकलेगा. तो प्रोडक्ट देखो इन्वर्टेड कैसे बनाएगा. I यहाँ से लगाया तो I यहाँ लगेगा. ठीक है, और D इधर शिफ्ट हो जाएगा और CH3 यहाँ हो गया और H यहाँ हो गया. नाउ कैन यू सी कि BR का प्रायोरिटी और I का प्रायोरिटी क्योंकि सेम है, तो क्या आप देख पा रहे हो मैंने E1 एक्सचेंज करी है? तो ये R था तो ऑब्वियसली ये S नहीं बन जाएगा. समझ पाए मेरी बात सारी? मैंने कैसे बनाया है? Yes, ध्यान रखेंगे इन सारी चीजों पे कि अगर यहाँ पे है H, यहाँ है D, यहाँ है T और यहाँ पर है एक लिविंग ग्रुप लेट्स से I और मैंने डाल दिया एक न्यूक्लियोफाइल, तो रिएक्शन कैसी होगी SN2 से? यहाँ पे ऐसा करती हूँ, यहाँ I लिख देती हूँ और यहाँ पे कुछ लिविंग वो डाल देती हूँ, T डाल देती हूँ. तो अब न्यूक्लियोफाइल आई के बैक साइड से अटैक करेगा और ये यहाँ से निकलेगा. मतलब न्यूक्लियोफाइल यहाँ लगेगा तो एच और डी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा. न्यूक्लियोफाइल यहाँ लग जाएगा और यहाँ से आई निकल गया तो यहाँ पे टी चला गया. ये जो होता है ना हॉरिजॉन्टल फ्रेम, इसमें चेंज हो जाता है. समझ रहे हो? तो एक ही चेंज होगा, हॉरिजॉन्टल या में से किसी एक पे चेंज होगा. इवन एक्सचेंजेस नहीं होंगे. इवन एक्सचेंज होगा तो वो चीज़ सेम नहीं हो जाएगी. देखो बी आर यहाँ लगा दिया, सी एच थ्री यहाँ लगा दिया, एच यहाँ लगा दिया, डी यहाँ लगा दिया. अब मैं आई माइनस को अटैक करा रही हूँ, एस एन टू करा रही हूँ, बताओ कहाँ से अटैक करेगा? अब ये नीचे से अटैक करेगा, बी आर के ऑपोजिट डायरेक्शन से, और बी आर को निकालना है. तो ये कैसे बनेगा? आई यहाँ आएगा, एच यहाँ चला जाएगा, टी अपनी जगह, सी एच थ्री अपनी जगह. तो किसी एक लाइन पे ही एक्सचेंज होगा ग्रुप्स का. इवन एक्सचेंजेस नहीं होंगे, ऑड एक्सचेंजेस होंगे, तभी आर एस में बदलेगा. और ये एविडेंस है हमारा इन्वर्जन का. क्लियर? Yes, ma'am. ठीक,
तो आज की क्लास यहीं पे खत्म करते हैं। कल आप लोगों का टेस्ट कितने बजे रखें? जीओसी का टेस्ट प्रांजे और ध्रुव नहीं देंगे टेस्ट, क्योंकि आप लोग प्रिपेयर्ड नहीं और आप लोगों को पता नहीं था, बाकी सबको बहुत अच्छे से पता था। तो बाकी सब जो है टेस्ट देंगे। अगर आप फिर भी देना चाहते हो तो आपकी चॉइस है, मुझे कोई इशू नहीं है, ऐसा नहीं कि जबरदस्ती मैं कह रही हूँ मत दो। अगर आप देना चाहते हो तो दो। टेस्ट टॉपिक इज जीओसी जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो मुझे टाइम बता दो, कल सुबह किसी की क्लास तो नहीं है? नहीं है। टेस्ट टाइम 11:30 बजे, ठीक है? चलिए मिलते हैं अगली क्लास में। कोई डाउट है तो प्लीज पूछ लीजिए। हाँ जी मैम, लेवल 3 और 4 के डाउट्स। बेटा बहुत सारे हैं क्या? नहीं मैम, ज्यादा तो नहीं है, 4-5। कितने हैं? 4-5 होंगे। 4-5 होंगे, चलो ठीक है। जिसको लेवल 3-4 के डाउट्स है वो रह ले, बाकी सब लीव कर सकते हैं। हाँ बोल बहन। मैम क्वेश्चन नंबर 1 में था, एक मिनट रुक जाओ मैं पेपर खोल लूँ पहले। कौन सा है ये? हाँ हाँ बोल मैम। एक वो बुक का जो नाम बताए थे ना, वो बुक का नाम बता दीजिए ऑर्गेनिक की थी। हिमांशु पांडे, एमएस चौहान। कौन सी लेनी है? जो तुझे मिल जाए आसानी से। हिमांशु पांडे बेटर है एमएस चौहान से। ओके जेई वाली लियो बेटा। हाँ बेटा बोल कौन सा है क्वेश्चन? सृष्टि मैम क्वेश्चन नंबर 1 में, क्वेश्चन नंबर 1 में। हाँ मैम 4 सबसे ज्यादा बेकार होगा, फिर उसके बाद 1 नहीं होगा क्या? नहीं 1 तो बेटा ग्वानोडाइन टाइप स्ट्रक्चर नहीं हो गया, लोकलाइज्ड लोन पेयर देख। अच्छा ठीक है, तो 1 तो इनफैक्ट सबसे अच्छा होने वाला है यहाँ पे। अच्छा ओके मैम, है ना। और मैम क्वेश्चन नंबर 12 में, 12 हाँ मैम, इसमें आंसर बी नहीं होना चाहिए? नहीं सेकंड होगा, 2 होगा, क्योंकि 2 पे ही है ना OH, है ना, OH का प्लस M लगेगा। मैम CH3 का भी तो प्लस M और प्लस I लगेगा। CH3 का प्लस H होगा, हाइपर कॉन्जुगेशन होगी। अच्छा हाइपर कॉन्जुगेशन होगी ना, और OH का प्लस M होगा। मैम यहाँ पे मेसोमेरिक डोमिनेट करेगा। हाँ मेसोमेरिक ही डोमिनेट करता है। अभी ना तुम आगे जाके चैप्टर्स में करोगी भी सही, OH के नीचे प्लस चार्ज हमेशा स्टेबल होता है। बताती हूँ क्यों, एक रीजन और दे देती हूँ तुझे। यहाँ से जब H निकलेगा या पॉजिटिव आएगा ना OH के नीचे, लेट्स से ये पूरा R ग्रुप है, तो ये क्या करता है अपने आप में, ये जो इसको दे देता है और यहाँ से H प्लस लीव कर जाता है और ये कीटोन बन जाता है बड़ा स्टेबल। नेक्स्ट मैम में क्वेश्चन नंबर 7 जो है, उसमें सी और डी दोनों ऑप्शन दे रखे हैं, तो मैम बट डी में sp2 हाइब्रिडाइजेशन नहीं होगा कार्बन का, वो तो O से डबल बॉन्डेड है। बेटा यहाँ से निकलेगा ना रेजोनेंस, ये sp2 थोड़ी, ये तो sp3 है ना। तो ये जो आपने ऊपर O वाला जो स्ट्रक्चर बनाया है, हाँ इसमें O के नीचे प्लस चार्ज है, हाँ ये कॉन्जुगेट सिस्टम है? ये कॉन्जुगेटेड सिस्टम है, लोन पेयर सिंगल पॉजिटिव। हाँ मैम ये जो ये sp2 होगा ना, कौन ये चार्ज, ये कार्बन यस मैम, हाँ ये sp2 होगा। और हम दूसरा वाला भी ना पूरा ही, हाँ ये भी sp2 है, सारे ही sp2 है। हाँ ओके मैम। नहीं मैम पिछला आंसर सी और डी दोनों दे रखा था। The carbon in which uses sp3 hybrid orbital for bond formation. अच्छा मैंने सवाल तो पढ़ा नहीं, मैं तो acidity बता रही थी तुझे। The compound in which carbon uses a sp3 orbital for bond formation. नहीं नहीं हाँ ठीक है, ये भी होगा क्योंकि वो ना एक्चुअली बॉन्ड फॉर्मेशन, हाँ नहीं सी और डी नहीं, सी आएगा बेटा, ये तो sp2 बन जाएगा ना, तो ये बॉन्ड फॉर्म करेगा, हाँ सी आएगा इसका आंसर, ओनली सी। ओके मैम। और मैम एक क्वेश्चन वो 17 था, एसिडिक स्ट्रेंथ। सबसे पहले तो ये वाला ले लेना, ये जो फोर्थ वाला है, फोर्थ वाला, फिर फर्स्ट वाला, मेरे को सेकंड और थर्ड में थोड़ा कंफ्यूजन भाई। ये सेकंड का ये ओ है ना, इसमें ये हो जाएगा क्रॉस कॉन्जुगेशन अगर ये नेगेटिव चार्ज यहाँ आया तो। अच्छा और ओ वाला का जो ये ओ है ये माइनस आई देगा, बस क्रॉस कॉन्जुगेशन नहीं करेगा। ओके है ना,
डन? हाँ यस मैम. ठीक है बेटा. मैम हाँ हाँ जी अश्मी. मैम मेरे को एक बार कर दीजिए कि जैसे sp1 है sp2 है इनका रिलेशन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से क्या होता है? sp1 नहीं होता बेटा, sp3 sp2 sp इनमें जैसे नीचे जाती रहेगी परसेंटेज s कैरेक्टर बढ़ता जाएगा. इसमें 50% s होता है. यस मैम. इसमें तेरा s कितना होता है? 1/3 ना, मतलब ये 33% s और इसमें 25% s है ना. तो s कैरेक्टर बढ़ता है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ जाती है. तो मैम इससे बस मुझे एक बार वो लास्ट वाला एक्सप्लेन कर दीजिए, वो अमीन्स वाला जो मैंने आपको भेजा था. हाँ मैं बता देती हूँ तुझे, वो अमीन्स वाला जो तूने भेजा था अश्मी, एक मिनट. अरे 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 कहाँ गई. हाँ मेरे पास ये अच्छा सवाल था. और इसमें ये मैं ये कह रही थी, ये तो ये sp3 है ना, ये पिरेडीन के लोन पेयर है, ये sp2 है पिरेडीन का नाइट्रोजन, ये sp3 है और ये sp2 है पायरोल पर. लेकिन पायरोल में क्या दिक्कत है कि ये डीलोकलाइज हो रहे हैं तो ये तो अवेलेबल ही नहीं होंगे, ये तो पुअर हो गया है ना. अब इन सब में ये सारे लोकलाइज्ड है, पर ये sp2 है, ये sp3 तो sp2 इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा है तो बेसिसिटी कम होगी ना, इलेक्ट्रॉन देना ही नहीं चाहेगा. क्या आवाज नहीं आ रही? हेलो अस्मी, आवाज नहीं आ रही मुझे, कॉल करियो बेटा. हेलो